हेलो हेलो, हाय राधिका। हमारे यहाँ वीकेंड्स पे भी क्लासेस होते हैं सिडनास के हाँ, हमारा ऐसे ही चलता हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं ना, तो वीकेंड पे भी होता या हेलो राधिका जी, हेलो स्नेहा जी। हाय हाय अमन। और आपको पता है हैबिट 10 मिलियन हो गया। मेरे मूड यस, टीवी पे अभी भी चल रहा है। क्या बात है, दैट्स अमन, सो स्वीट। तुमने कुछ खाया हो क्या? इधर से उधर जंप भी कर रहे हो लाइव के बीच में। मैं तो हमारा तो भैया, हम यूपी में रहते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम 7:30 बजे ही खाना खा लेते हैं। आप फिर ठीक है? या और बताइए, हौसला रखवी बहुत अच्छा कर रही है। 30 करोड़ कर लिए 8 दिनों में ही। यार सो देखो, एवरीथिंग गोइंग गुड। करेक्ट राधिका, या कल का जो था लाइव, बैंग ऑन, बहुत अच्छा था ना अमन वो लाइव। मरियम को इतने दिन के बाद एकदम फायरी मोड में सुनने में बड़ा मजा आया कल। यहाँ कल का लाइव बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा हाँ रेस्पॉन्स मिला है। मैंने जब शेयर किया, प्रीति जी का भी रिव्यू था उसमें, फिर जस्सी जी थी, फिर मरियम हाँ भी आई, राधिका जी थी और कुलदीप जी भी जुड़ी। काफी हाँ लोग जुड़े कल। काफी काफी लोग थे। मैं सुन रही थी, मैं कंटिन्यूस थी लाइव में। फिर लास्ट में जब तुमने, मैंने बोला ना कि अब डिनर बना रही, तभी भी सुन रही थी, लेकिन काम में थी थोड़ा। एंड राधिका, व्हाट्स हाउ इज योर वीकेंड? वीकेंड कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है, सही सही ना? बस सही उतना चल। ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं भी हो ना तो सही, बनाना पड़ता है, वैसा हो गया अभी। हाँ, बिकॉज आज पूरा तो मैं सुबह एग्जीक्यूशन से एपिसोड देख रही हूँ सिंगिंग लंच बनाते बनाते भी मेरा बिग बॉस चल रहा था। मेरे मेरे बच्चे बोल रहे, मम्मा व्हाट्स हैपनिंग? मैंने बोला रिव्यू करना है। बोला अच्छा ठीक है, लगे रहो। हाँ, क्या कर सकते हैं। ये यही चाहती थी गाइस, कल जो हम बात कर रहे थे। अमन, क्या मैं बात कर सकती हूँ इसके बारे में 5-10 मिनट के लिए कि नहीं? आप नहीं बोलोगे तो नहीं बात करूंगी। करो करो। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से शहनाज को भी पोक किया है और सिद्धार्थ को भी पोक किया है, बहुत ही क्लेवरली। और ये लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज सभी एक किसी ना किसी तरीके से इमोशनल, कई लोग बहुत ही गलत जा रहे हैं और कई लोग इमोशनली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अभी जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब देख के, वो हेट्रिड देख के, ये वो देख के, राइट? बट कई लोग हैं बहुत नेगेटिविटी में घुस चुके हैं अभी, उनको उसके अलावा, उनके ईगो के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट ये सब चीजों का फायदा ये मैडम ने और उसके उसके सर ने उठाया है, जो ब्रो बना बैठा है उसने। ये दोनों के फायदे के लिए ये किया गया है, और बहुत ही चालाकी से उसने ये चीज बोली थी कल कि ये गाने पे शूट किया गया है पहले ही, हाँ और सितंबर 2 के बाद फलाना हो गया है। तो उससे क्या कर रही है ये, सितंबर 2 के बाद अगर शहनाज आ रही है तो ऐसे दिखा रही है कि शहनाज ने सिद्धार्थ के पीठ पीछे जाके आसिम को साबोटाज करके उसने ये गाना रिलीज किया है। दैट इज द इमेज शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अबाउट शहनाज। ओके, इसको शहनाज के अलावा कोई दिखता है नहीं, सारी फुटेज जिंदगी में इसकी खुद का कुछ है नहीं। ये पता नहीं किस 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 कहाँ की टॉप की स्टार है, मुझे अभी तक नहीं पता, बट उसका पूरा खाना पानी धंधा सब कुछ चलता है शहनाज के नाम पे। और अभी शहनाज के फैंस, सिद्धार्थ के फैंस और सिडनाज के फैंस में आग लगा रही है बैठ के। जो जो बिग बॉस में करी थी वो अभी भी वही कर रही है। उसका खुद का कुछ है नहीं, ना आना
प्रो का है ना इसका है, बस ये यही करेंगे और उसने यही किया है. अभी अभी सॉरी गो हेड. नो नो गो हेड सॉरी. अभी हौसला रख, अभी खिड़की तोड़, यू नो दरवाजा तोड़, सब कुछ तोड़, रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. हाँ, हौसला रख ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, पूरे पंजाब इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है. इट्स मेकिंग हिस्ट्री. एंड अभी अभी यू नो पंजाब की असली साइड दिख रही है हमको शहनाज के थ्रू. अभी इसकी इतनी जली पड़ी है, इतनी ज्यादा जली पड़ी है, तो ये वहां पे बैठ के बस यही कर रही है कि मैं कैसे इसको साबोटाज करूं. बिकॉज वो सारा दिन यही पे होती है, यू नो सोशल मीडिया पे देख रही है कि कौन से फैंडम्स क्या बोल रहे हैं और मैं कहाँ पे जाके आग लगाऊं. ठीक है, ये वही कर रही है जो घर पे भी किया था, घर के पहले किया था, आने से पहले, घर के छोड़ने के बाद भी किया था. 18 महीने तक इसको शहनाज की एक बार भी याद नहीं आई, उसके उसके नो बर्थडे पे उसको ट्वीट नहीं किया, विश नहीं किया. अभी उसको शहनाज के बारे में टिप्पणियां करनी है, अभी उसको यू नो सिद्धार्थ के बारे में टिप्पणियां करनी है, और उसको अभी लग रहा है कि रीटा माँ, रीटा आंटी जैसी की एक एक जो स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो ही संभाल सकती है. मतलब ये अभी इसको कंसोल करो, ये यू नो घर में बैठे ना कुछ काम करे, और ये आंटी अपने 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 अपना अपना यू नो दुकान चलाए. तो ये गाइस, ये ऐसी चीजें आप प्लीज, ये अगेन दिस इज माय एनालिसिस. आई एम एब्सोल्युटली इरिटेटेड. आई एम नॉट इरिटेटेड एट हर, बिकॉज वो वैसी ही है, मुझे उससे कोई उम्मीद ही नहीं है. और वो इस टाइम पे भी यही कर रही है. मुझे उसकी भी आई एम नॉट शॉक्ड एट ऑल, बिकॉज वो वही कर सकती है और वो इससे भी नीचे जाएगी. ये सारी चीजें, दीज आर यू नो कॉन्ट्रैक्ट. सारेगामा जैसे चैनल कोई खेल कोई वो नहीं कर रहा है. अगर उनको आसिम वाला गाना रिलीज करना है, वो लोग वो भी करेंगे, बिकॉज यू नो कॉन्ट्रैक्चुअली वॉट एवर दे हैव दे विल डू इट. बट अभी ये गाना, अभी जो रियल है, जो अभी जो फैक्ट है, वो है हैबिट इज अ सिडना सॉन्ग. उसमें सिद्धार्थ है, उसमें शहनाज है. अभी उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन सी स्टार आके क्या बोल रही है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज दिस इज हैबिट इज ए सिडना सॉन्ग एंड दैट्स दैट. दैट इज द रियलिटी. ओके, अगर चैनल उसमें से कुछ करता है तो इट इज ऑन देम, राइट? बट दे विल नॉट, दे कैन नॉट डू दैट, बिकॉज लीगली कुछ है. ये ऐसी चीजें बैठे बैठे नहीं होती हैं. तो ये आके मैडम जी कुछ बोल रही हैं. अगर अगर सिद्धार्थ ने, समझो अगर यू नो सिद्धार्थ ने ये गाना रिजेक्ट किया होता या उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड किया होता, तो द चैनल कैन नॉट रिलीज द सॉन्ग, दे कैन नॉट पुट द बीटीएस, द फैमिली कैन फाइल अ केस. ओके, सो ये पागलों जैसे बातें जो हो रही हैं, दिस इज सो ludicrous. इसका ना कोई बेस है, ना कोई फाउंडेशन है. जो बोले, जो जो मर्जी मुंह उठा के आ जाता है. और बस यहाँ पे हम लोग, इसीलिए द मोर इमोशंस वी शो ऑन सोशल मीडिया, ये लोग फायदा उठाते हैं. तो कोई अभी, दिस इज द टाइम वी हैव गॉट टू पुट अ ब्रेव फ्रंट. वो जैसे शहनाज ह्यूमन शील्ड बन के जाती थी यू नो सिद्धार्थ के सामने, लाइक लड़ाइयों के टाइम पे, राइट? और जैसे वो यू नो शहनाज को सपोर्ट करता था लड़ाई, दिस इज द टाइम वी गॉट टू, दिस इज हाउ वी शो सपोर्ट फॉर द बोथ ऑफ देम. हमें उनकी शील्ड बन के जाके ये सब लोगों को रिपोर्ट करना है. आप इनके मुंह मत लगो, बिकॉज कोई फायदा नहीं है. इनके मुंह लगना अपना मुंह खराब करना है, और अपने मुंह से कुछ कुछ यू नो गलत चीजें भी नहीं निकालनी है. मैं ये फैक्चुअल, मुझे जो जो शेयर करना था वो मैं बता रही हूँ. ये लीगली ऐसी चीजें नहीं होती हैं. हमने शूट किया हमारा गाना, ये पीठ पीछे जाके ये क्या गेम चल रहा है. दिस इज नॉट यू नो बिग बॉस गाइस, ये चैनल है, इसमें श्रेया घोषाल का नाम है और यू नो बड़े बड़े लोगों का नाम है. ये कोई गेम नहीं चल रही. सारेगामा इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्रांड. एंड जब उनका ब्रांड रिव्यू कर रहे थे वो लोग, जब उसको रिन्यू रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज आई नो बीच में थोड़ा सा टी सीरीज के चक्कर में वो रुक गया था, तो व्हेन जब उन्होंने रीलॉन्च कर रहे थे अपने ब्रांड को विथ न्यू लोगो एंड ऑल,
तो सबसे पहले उन्होंने शहनाज का ही साथ गाना शूट किया है, विद दैट वो जो किस्मत की हवा थोड़ी नरम एंड गरम, तो वो सब टाइम था वेयर दे वर रीलॉन्चिंग सारे, तो ये लोग इतने बड़ा रिस्क नहीं लेंगे. And she has the audacity to go and say on air कि रीटा माँ को उसको संभालना चाहिए, उन्होंने सिद्धार्थ को बहुत अच्छे संस्कार दिए. ये कहाँ से, ये कहाँ, ये कौन है बे, ये कौन है ये, 18 महीने कहाँ थी. हाँ, और जैसी घर के बाहर आई उसने सिद्धार्थ के लिए इतनी गंदी चीजें बोली है, शहनाज के लिए गंदी चीजें बोली है, और अभी ये कुछ अच्छा बोल रही, ओ ये बहुत सेंसिबल बात कर रही है, कहाँ है कि सेंसिबिलिटी है इसमें. और ये रीटा माँ को क्यों ला रही है अभी, अभी अभी ये रीटा आंटी को क्यों ला रही है. और वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, वो तो उनका उनका मुंह ही वैसा है, उसका दिमाग ही वैसा है, बट फ्रॉम ए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टैंड पॉइंट द चैनल कैनॉट, अगर उन्होंने, अगर सिद्धार्थ ने ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड किया था, इफ ही हैड पुल्ड अवे फ्रॉम द सॉन्ग, द चैनल कैन नॉट यूज हिज वीडियो, हिज पिक्चर्स इन दिस सॉन्ग. उन पे केस हो सकती है और केस करते हैं. दिस इज सो अभी भी बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितने सिद्धार्थ फैंस है उन्होंने ही पीछे पड़कर वो सॉन्ग का नेम चेंज कराया. तो दे नो कि ये फैंडम की पावर कितनी है, अगर इन लोगों को ऊपर ला सकता है ये फैंडम तो उतने ही जोर से नीचे डुबा भी सकता है. सो दे विल नॉट प्ले विद द इमोशंस. नॉट ओनली दैट, टू मी इट्स नॉट ओनली दैट, राइट, दैट इज लाइक सेकेंडरी. द फंडामेंटल थिंग इज, अगर आप किसी, इफ देयर आर टू पार्टीज एंगेज्ड इन अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड अ लीगल डॉक्यूमेंट इज बाइंडिंग टू पार्टीज, अगर कोई एक पार्टी वो लीगल डॉक्यूमेंट, वो लीगल लैंग्वेज को का फॉलो नहीं करता है, लीगल इम्प्लिकेशंस होती हैं, तो बाकी उसका फैंडम का क्या होता है, कौन क्या इंटरव्यू में बोल रहा है, दैट इज स्टेप टू, स्टेप थ्री. फर्स्ट थिंग दीज गाइज, ये पूरा लीगली हो रहा है. ये तो कैन ने वही बोला था कि ये लीगल, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑब्लिगेशन है, सो लेट्स you know, ये गाने में it's all heart, so let's just support this song. आदित ने भी उस पे डाली थी story, so let's focus on that. ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, it really doesn't matter. At a very, the very simply in two lines, अगर सिद्धार्थ ने ये contract से पीछे हटा होता तो channel has no legal support to bring that song, to release that song, period. Because agar wo piche hatta to Shehnaz bhi hatna padta tha. Agar Shehnaz nahi hatti, theek hai, maan lo ki Shehnaz stayed in the agreement and he moved away from the agreement, fir wo log Siddharth ke parts nahi dalte the, then it would have been a Shehnaz song only, but wo nahi hua. Agar wo dono ka गाना रिलीज हुआ है उनके वीडियो के साथ, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ था. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ था तो अभी आसिम का गाना है किसी और के साथ, उन्होंने वर्ड्स चेंज करके रिकॉर्ड किए हैं, तो करो, तो चैनल वो भी रिलीज करेगा, अधूरा करके वो भी रिलीज करेगा, तो करने दो. हैबिट सिडनास का गाना है, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. अभी ये 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 मैडम जी आके बोल रही हैं, बिकॉज सी पीपल विल सेल क्रैप व्हेन दे नो देर आर पीपल हु विल बाय क्रैप. जब हम वो क्रैप खरीदना बंद करेंगे, वो लोग तब तक उसे यू नो बेचने की कोशिश करते रहेंगे. सो उनको भाव मत दो, उनको एंगेजमेंट मत दो, बस चुपचाप जाके रिपोर्ट करो और मूव ऑन. बिकॉज ये पूरे डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स है, सबकी जली पड़ी है, हैबिट यू नो हैज क्रॉस्ड ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, ऑल काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड नॉट हैबिट सॉरी हौसला रख, एंड हैबिट इज ऑल्सो डूइंग दैट. तो लेट्स फोकस ऑन दैट, दैट्स ऑल. वो बस मुझे बोलना था, बहुत हो गया ये बहुत पागलों वाला हो रहा है आज, you know, social media pe. It's so useless. Thank you so much, Radhika ji.
आपने बहुत लोगों की मन की फीलिंग्स बोली है, सच बताऊं तो आपने उन लोगों की मन की बातें बोली हैं जो सभी लोग ये मन में अपने बातें रखते हैं, सभी एग्री कर रहे हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू अमन नहीं, राधिका जी एंड अमन स्नेहा जी। मैं इसमें ये डिवाइस से एग्जिट हो रही हूँ, बिकॉज है ना मेरा पूरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहे। मैं तुमको दूसरे ओके डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजती हूँ। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लवली लेडीज इन आवर लाइफ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधिका जी आपको भी हैप्पी करवा चौथ। हाँ मैं नहीं करती हूँ करवा चौथ, बट हाँ थैंक यू, फीलिंग्स बट हमारे है। लाइफ में जितनी भी हाँ जी लवली लेडीज हैं, सिडनास एब्सोल्युटली, फैंस हैं, उनको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सभी लोग। एब्सोल्युटली हैप्पी हैप्पी करवा चौथ स्ट्रॉन्ग लेडीज। जो आप कर रही हैं, आपके हस्बैंड्स तक डेफिनेटली दुआएं जाएंगी, और विशिंग यू ऑल अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। और तो अभी करवा चौथ जो इंडिया में है उनका हो गया, मतलब कब है मतलब आज है, आज 24 अक्टूबर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब आपका, तो अभी 4 बजे उठ के खाना खाएंगी, राइट? फिर संडे से पहले, है ना? ये बस सुन रही है, मैं तो लड़का हूँ, स्नेहा जी बताएंगी। नहीं मतलब मैं लोगों को पूछ रही हूँ कि कैसे नहीं, चलता है। पंजाब स्पेशली पंजाबीज में होता है कि वो लोग सुबह मॉर्निंग में बिफोर सनराइज खाना खाते हैं, हाँ एंड वो कुछ लिमिटेड होता है खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स एंड जिसको सरगी बोलते हैं, आपकी वॉइस लो आ रही है इसने। आज हाँ मैं ये बोल रही थी। अभी आ रही है? अरे नहीं आ रही, अभी अभी लाउड बोलिए। बाप, हाँ तो हमारे लाइव में जितने भी हेलो, हैं अभी आ लवली रही है? लेडीज उनको यस अब आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं, वही होता है जो सनराइज के पहले खाना खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स होती है, फिर मठरी होती है, एंड कुछ सरगी होती है, वो खाते हैं, एंड देन दिन भर भूखे रहते हैं, एंड शाम को वो जो पूजा वगैरह होती है वैसा ही होता है। आई नहीं यूज बट टू डू, बट मैंने अच्छा 20 साल किया, एंड जब मैं, आई थिंक 2016 वाज माय लास्ट करवा चौथ। एक फैन लिख रही हैं उनकी शादी होने वाली है मगर वो अभी भी करवा चौथ हाँ रख रही हैं। कर सो सकते हैं, स्वीट। जिनकी ये अहमदाबाद एंगेजमेंट से होती है। हैं। एंजॉय करवा चौथ, हैप्पी ट्रिप। हैप्पी करवा चौथ एवरीबॉडी, स्टे स्ट्रॉन्ग। या चलो फिर राधिका, स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। हो एपिसोड 15 तक की डिकोडिंग बहुत जबरदस्त हुई है। एंड राधिका जी स्नेहा जी आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा ये फिनाले तक कंटिन्यू रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बोलिए। ओके कौन स्टार्ट कर रहा है? आप करो, अगर आप रेडी अच्छा हो तो आप करो। जहाँ द एपिसोड जो स्टार्ट होता है मंडे का, वो स्टार्ट होता है ये रावण और शहनाज बर्तन धोते हैं, एंड वो यहाँ पे उनकी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें वो बोलता है कि तू तू हमेशा पारस पारस करती रहती है, और वो बोलती है तू हमेशा मायरा मायरा करते रहता है। तो यहाँ पर रावण को कहीं ना कहीं पता है कि शहनाज बहुत स्ट्रांग हो गई है 2 हफ्ते में, जो हिसाब से उसको मिल रहा है फेम एंड क्रेज, तो वो अपना जो था उसको उसका जो गेम है उसको कंटिन्यू रखना चाहता था, एंड वो उसको बातों में ला रहा था। लेकिन शहनाज को भी पता था कि वो क्या है, वो बोलती है तो तू जानबूझ के मुझे बदनाम कर रहा है करके यहाँ पर। तो शहनाज वेरी वेल, उसको पता चल गया, पल रहा था कि वो करना क्या चाहता है उधर, एंड फिर वो उसका अपना मस्त करती है, उसके बदन पे पूरा साबुन वाबुन फेंक देती, बोलते कुछ फेंक के मारूंगी अगर मेरा इद्दा मेरे अगर चला तो या दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एपिसोड। अभी बोलो आप।
और एक चीज होती है, जब ये मुझे दो तीन चीजें ऐड करनी है यहाँ पे, कि ये जो कॉन्वर्सेशन होती है पारस और सॉरी ओ गॉड रावण और शहनाज के बीच में, ये ऑब्वियसली वो उसका थर्ड एंगल यू नो कायम रखना चाह रहा है, बिकॉज उसको और कोई है भी नहीं, बिकॉज उसने इसमें ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, और सभी उसके साथियों को भी यही चाहिए था, ताकि अगर ये इस तरफ आए तो यू नो सिद्धार्थ वहां पे ओपन हो जाए अपनी अब्दुल्ला और यू नो गोलगप्पे वाली को यू नो रास्ता क्लियर देने के लिए. सो ये पूरा इनका वो था, आई थिंक मेरे हिसाब से द वे आई सी लाइक ऑन अ वाइडर स्केल. और ये दोनों के जो बातें हो रही थी, ये क्यों कर रहा था टाइमली, बिकॉज ये दोनों को पता नहीं इनकी ड्यूटी थी लाइक बर्तन वाली या क्या, बट पीछे शुक्ला जी थे और शुक्ला जी वहीं पे घूम रहे थे, ही डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, बट वो आगे पीछे जा रहा था और इनकी बातें सुन रहा था. सो आई थिंक उसके बाद वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है आई थिंक, और उसकी इरिटेशन कहीं और आती है, बट वो देख रहा है इनकी बातें देख रहा होता है. सो दैट हैपेंस. हाँ, एंड देन यू कैन कंटिन्यू. सो देयर आर टू थिंग्स, और रावण आल्सो एक्सटेंड्स द कॉन्वर्सेशन बिकॉज ही नोज कि शुक्ला जी सिद्धार्थ वहां पर है. हाँ, पीछे से लाइक सिद्धार्थ देख रहा है, तो वो उसको जलाने के लिए कह लो या जो भी कह लो, वो होता है. और नहीं, वो उसको पता चल गया था वीकेंड के बारे में कि सिद्धार्थ है स्टार्टेड, मतलब सिद्धार्थ ने अपनी गेम स्टार्ट कर दी है. नॉट गेम भी नहीं बोलेंगे, सिद्धार्थ की जो कनेक्शन है शहनाज के साथ काफी स्ट्रांग होते जा रहा है. तो उसको ये था कि अगर सिद्धार्थ का कनेक्शन बन गया तो मेरे प्लॉट का क्या होगा. तो इसके लिए वो अपना प्लॉट टाइम टू टाइम उसने स्टार्ट रखा है. तो यहाँ पे मतलब वही है कि पारस अपनी गेम बचाने की कोशिश कर रहा था, एंड साइड बाय साइड अब्दुल्ला अपनी गंदी गेम स्टार्ट कर रही थी. हाँ, तो ये होता है. और इससे पहले भी एक दो तीन अनसीन्स हैं बिफोर दे चेंज इनटू द शावर करने से पहले एक बाहर बैठ के आई थिंक भूख लगी है या वो मैं शेव नहीं करूंगी, मैं अपने फेस को शेव नहीं, ऐसे कुछ कुछ सिली, बट उधर बेसिकली उनकी बातें तो क्यूट है, बट उधर अब्दुल्ला इनको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता. हाँ. एक मिनट के लिए भी नहीं. पूरा मतलब इसके लिए इसलिए वो अब्दुल्ला बैठी थी करके वो लोग भी एकदम नॉनसेंस बातें कर रहे थे, आईब्रो हाँ. की फेशियल हेयर की फिर वो कुरकुरे की चाट बनाना, और फिर आउट ऑफ द वे जाके आप WWF देखते हो एंड देन विद दिस ओ लोग WWF की बातें कर रहे हैं. उनको पता है कि अब्दुल्ला का WWF के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट उसको अपना इनपुट तो देना ही होता है इनके कॉन्वर्सेशन में, तो मैडम जी दे रही थी. और उसको न सर पता है न पैर पता है WWF का, बट इसको बोलना है. हाँ, ओके, सो वो होता है. एंड देन वो मनी टास्क उससे मनी टास्क के पहले वो सीन है ना जहाँ पे अब्दुल्ला उसको अच्छा जबलीना को लगेज एरिया में कंफ्रंट करती है. हाँ, वो पूछती है कि सिद्धार्थ कुछ नाराज है क्या मेरे से, तो बोलती है ना कि हाँ तुमने सेकंड टाइम पे भी उसका काटा ना, तो थोड़ा सा उस वजह से नाराज है. तो देबोलीना पूछती है कि मैं जाके बात करूँ क्या, तो मैंने अपने हम लोग ने इसका नाम क्या रखा था मैं भूल गई, किसका, लीना. हाँ अच्छा, लीना बोलेंगे, ठीक है. तो लीना को जाके पूछती है कि लीना पूछती भी है मैं बात करूँ क्या, तो बोलती नहीं नहीं पहले मैं बात कर लू फिर तू बात कर. फिर वो आती है अब्दुल्ला, बोलती है कि I know you are fond of someone, but someone. Sorry, I didn't mean to interrupt.
उससे पहले कुछ और बोलती है, फिर ये बोलती है. हाँ 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 वो डेवोलिना के बारे में बोलती है कि मेरी उससे बात हुई एंड ओएमजी यस ओएमजी सॉरी तो मेरी ओएमजी से सब बात हुई है एंड मैंने उसको बोला कि तू उससे हर्ट है एंड ऑल. तो वो बोलता नहीं हर्ट नहीं हूँ लेकिन या मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहिए था करके. तो वही बात होती है उन लोग के बीच में एंड देन फिर घूम फिर के बाद शहनाज पे आ जाती है उधर कि आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ समवन बट ये क्या है ना घर है जहाँ तुम्हारे माँ बाप या भाई बहन नहीं है तो यू हैव टू कीप मतलब तुम यू हैव टू कीप एवरीथिंग 1-to-1 एंड ऑल. तो उसका वो नाटक चालू हो जाता है 1-to-1 वाला. एम आई करेक्ट? या सो यहाँ पे वो यहाँ पे डेबो वो यहाँ पे ओएमजी और सिद्धार्थ को जोड़ने नहीं आई थी, वो ये बात करने आई थी कि तुमको यू डोंट हैव टू मेक कनेक्शन विद डेबो आल्सो, मतलब ओएमजी के साथ भी तुमको कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, वो बोलने आई थी यहाँ पर. एग्जैक्टली. तो जहाँ इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ी ओसीडी हो रही हूँ. सो वॉशरूम में जब अब्दुल्ला जब ये वीकेंड के वार पे जब काटती है ना फाइनली जब एज द क्वीन शी कट्स यू नो गोलगप्पे का वो काटती है तार तो गोलगप्पे को वो पावर मिल जाती है और उसके बाद बेसिकली उसने दिखा दिया कि वो यू नो गोलगप्पे के साथ है, वो सिद्धार्थ के साथ नहीं है. ओके दैट्स वन. दी अदर फिर अभी यहाँ पे बिकॉज ये अब्दुल्ला को था कि यू नो सिद्धार्थ की राइट हैंड वही बने, मतलब शी हैज टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीम मेंबर फॉर यू नो सिद्धार्थ ताकि वो उसके सिर पे मतलब उसके सहारे वो आगे बढ़े. दैट वॉज हर मोटिव. नाउ वॉशरूम में क्या होता है, उसको पता है अब्दुल्ला को पता है कि बिकॉज लास्ट वीक दे वर ट्राइंग टू मतलब ओएमजी और यू नो लाइक सिद्धार्थ का चल रहा था टीम मेंबर्स मतलब एक साथ खेलना ये वो यू नो रानी बनाता है वो उसको लेकर जाता है मटका के लिए बिकॉज वो हार्ड टास्क का ये वो राइट वो पूरा कैरी ओवर हो रहा है. सो इफ यू कनेक्ट द डॉट्स ओएमजी एंड सिद्धार्थ एक टीम में रहने का वो कर रहे थे अलायंस कर रहे थे और यहाँ पे अब्दुल्ला आके थर्ड व्हील बनती है और बेसिकली नो बोलती है मतलब इसको क्यों यू नो पंचायत करनी है यहाँ पे कोई फर्क नहीं है बट वो यही करती थी और उसको वही चीज आती है उसको सीधा 1-to-1 किसी से बात करना ही नहीं आता है वो सबके बारे में पीछे से बात करती है. तो यहाँ पर भी वही करती है और यहाँ पे उसको थोड़ा थ्रेट लगने लगता है कि ये ओएमजी क्लोज हो रही है फिर शहनाज क्लोज हो रही है फिर मेरा क्या. तो अभी वो धीरे धीरे तोड़ना चालू करती है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस ऑन इन दिस कॉन्वर्सेशन. वो वॉशरूम में आके मैं बात करूँ क्या, तू क्यों बात करेगी, अगर ओएमजी को बात करना है तो ओएमजी बात कर लेगी बट ये यहाँ पे सजेस्ट करती है. फिर कहीं ना कहीं ओएमजी को भी वो डर लगता है कि यार मैंने तो यू नो गोलगप्पे का काट दिया तो अभी ये नाराज होएगा, अब्दुल्ला बात करिए तो करने दो, ऐसे मुझे लगा. तो ये जब बात करती है सिद्धार्थ से पहले वो बोलती है मैंने देबो से बहुत बात की. आई डोंट थिंक सिद्धार्थ सेंट अब्दुल्ला टू गो टॉक टू ओएमजी बिकॉज यू नो गोलगप्पे के टाइम पे भी वही हुआ था फ्राइडे के दिन जब ये लोग स्मोकिंग रूम के बाहर यू नो बात करते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को मत भेजना हमारी बातें, हम बात करेंगे 1-on-1. तो यहाँ पर भी यू नो ही डिडंट सेंड अब्दुल्ला टू टॉक टू ओएमजी बट ये ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि मैंने बात की तेरे लिए, लुक एट मी, शी अंडरस्टूड इट, शी गॉट इट. एंड ऐसे मतलब वो पता नहीं इंग्लिश क्यों बात करती है बट ठीक है एम्फसाइज करने के लिए तो वो करती है. और वहां पर फिर वहां पे धीरे धीरे शुरू करती है किसी पे यू नो भरोसा मत करना
और नो वन मीन्स नो वन. आपको ना है ना सिद्धार्थ, आपका ऐसा है ना कि एक है तो बस एक ही. हम लाइक, तू कितने महीने कितने सालों से जानती है, जैसे इतना ओवर फेमिलियरिटी दिखा रही है ये. तो फिर बोलती है, फिर वही जैसे स्नेहा ने बोला, वो शहनाज आपका एक है, किसी को भी नॉट इवन दे वो, आई एम सॉरी बट किसी, नो वन ऐसे बोलती है. तो वो कहता है हाँ सब अपने अपने पे आएंगे ही आएंगे. तो बेसिकली वो उसको कह रहा है कि डूड तू तू अभी ज्यादा ओवर मत बन, तू अभी शांत रह जा. बट इसको समझ में नहीं आता है, तो ये खुद को लगता है कि ओ मैंने मेरा और सिद्धार्थ का एकदम मस्त है, हमारा कनेक्शन है. तो वो वहां से निकल जाती है. तो वहां देन देन यू नो कट टू शहनाज आती है, फिर उनका वो एपिक सीन होता एपिक है. मोमेंट होता है। तो वो 29 हो गया या 29, 29 हो गया. हाँ हाँ, तो 29 ये पे है। 29th है, राइट. हाँ तो ये 20, तो तू मुझसे बात ही करे, चल मैं बोर नहीं होंगी, ऐसे होती. तो ये लोग साइलेंट गेम खेलते हैं कि कौन कौन सबसे जल्दी सो जाएगा और समथिंग लाइक दैट. एंड दे फॉल अस्लीप. एंड फिर इसमें अब्दुल्ला मैडम आती है ओएमजी के और बेड पे. हाँ, और फिर इसकी फिर पंचायत, मेरे को लगता है कि घर वालों को एक कबूतर की क्या जरूरत है. अब्दुल्ला क्यों क्यों बन रही है अभी कबूतर, मुझे समझ नहीं आता. तो फिर यहाँ आके, हाँ मैंने बात की सिद्धार्थ से, मैंने उसको बोला वो ना दे वो देखो बहुत ही फेयर और बहुत ही लॉजिकल समझता है. और उसने ऐसी कोई बात नहीं की, लाइक हाँ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और अगर करता भी तो चैनल वो काटता नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज वो काटने वाली चीज होती भी नहीं. बट यहाँ पे आके वो देखो बहुत फेयर, और वो मतलब वो जैसे विशाल ने सही बोला, वो दो बातें अच्छी करती है और तीन तीन पीठ पीछे करती है और जो अच्छी नहीं होती है. तो ये इसका यही स्ट्रेटेजी था. तो सामने से वो बोल रही है उसको, बट बेसिकली तोड़ रही है. तो वहां पे उसने लाइक सिद्धार्थ को बोला ओएमजी के अगेंस्ट, और यहाँ पे ये कुछ और बोल रही है. तो यू नो हाउ शी इज मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग और अपना खुद का बना रही है. फिर एंड अचानक से उसकी कॉन्वर्सेशन घूमती है शहनाज के ऊपर। मुझे ना ये थोड़ी नौटंकी लगती है, नहीं पर नहीं उससे उससे पहले एक और चीज बोलती है. हाँ, मेरा और सिद्धार्थ का उड़ा था नाम। उड़ा था. मुझे ये था कि जब तुमको इतनी मिर्ची लगी थी शेफाली बग्गा के बोलने पे हॉस्पिटल टास्क में, ये रोना कि धोना. हाँ रोना दो मेरी सगाई टूट गई, ये टूट गया, और यहाँ पे तुम क्या बोल के पोर्ट्रे करना चाहती थी कि मेरा नाम, अब तुम कंफर्टेबल हो, अब तुम्हारे घर की कोई इज्जत नहीं जा रही है। वो सिर्फ डेबोलिना के कान में ये डालना चाहती थी कि समवेयर मैं और ये कनेक्टेड है, तो तू दूर रहे उससे। या एग्जैक्टली. तो हाँ उसने सिद्धार्थ के लिए अच्छी बात की कि वो तेको बहुत फेयर और बहुत लॉजिकल समझता है, लेकिन मेरी और उसकी बात उड़ी थी. ओ मेरे भाई ने मेरे को पूछा, देख दे वो मेरा तो क्लियर है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चे पैदा करने हैं, मेरे को ये एक्टिंग वैक्टिंग, मैं कोई करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ, मेरे को शादी करनी है बॉस, मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं. अगर चाहिए ही नहीं तो फिर शहनाज को आई क्यों क्यों बार बार बोलती रही कि तू यहाँ पे लड़का ढूंढने आई है, तू यहाँ पे लड़का. उसका भाई खुद उसको छोड़ के स्टेज पे बोला है सारी दुनिया के सामने कि मैं उसको ससुराल छोड़ने आया हाँ हूँ. खुद तो लड़का, हर एक लड़के पे इसका ध्यान था. और फिर ये शहनाज के लिए बोलती थी, मुझे बहुत इरिटेट होता था. बट और एनीवे मुझे ये था कि शादी ही करनी है तुमको तो 35 ईयर्स तक कोई कुवारा नहीं बैठता, अगर शादी ही करना मोटिव है लाइफ में तो। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उसका पर्सनल है. बट यहाँ पे शी इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हर सेल्फ ऑल द हाँ टाइम. एंड वो तो एज एन ऑडियंस हमारा काम है कि हम ये सारे डॉट्स को जोड़ें कि ये क्या करने की कोशिश कर रही थी.
अभी उसका पर्सनल लाइफ है, उसका नसीब है, छोड़ो. सो वहां पे वेरी सटली वो शहना, अभी शहनाज क्यों आई, शहनाज को तो टॉपिक बनता ही नहीं, ये दोनों की बात हो रही थी, इनकी वीकेंड के तार काटने वाली बात हो रही थी, अभी शहनाज कहाँ से आई. तो वो शहनाज के वो OMG के दिमाग में डाल रही है कि वी बोथ नीड टू बी अगेंस्ट शहनाज, बिकॉज वीकेंड में सब लोगों ने देख लिया था कि शहनाज का ऑरा क्या है, और सलमान के साथ जो वन ऑन वन उसने किया था सबके सबके नजर में आ गया था तब तक. सो दैट वॉज दैट. एंड ऊपर उसने सोचा कि डेबो थोड़ा उस बात को हवा देगी, तो डेबो कैसे बोल, वो जो कर सकती है वो तो हम तो नहीं कर सकते ना, तो हाँ डेबो ने और वहां पे वो चीज काट दी. तू है क्या चीज, तेरी क्या क्लास है. तो मतलब उन लोगों ने उसको इतना गंदे तरीके से पुट डाउन किया यहाँ पर भी डेबो ने, कि वो सब नौटंकी कर सकती है, हम वो सब नौटंकी नहीं कर हाँ सकते. ठीक है, दिख गया. नहीं, इट्स ओके. हाँ उससे हम फर्क नहीं, उससे हम इमोशनल नहीं होंगे, बिकॉज उसने जब उसका मुंह खोला नेक्स्ट हफ्ते से, जो जो यू नो पॉटी गोबर शुरू किया, अब वो अभी उसकी क्लास समझ में आ गई. अरे अभी नेक्स्ट डे ही समझ में आ गई टॉय फैक्ट्री में. तो अभी OMG का नाम लेते हैं तो उसके साथ क्या नाम आता है लोगों के दिमाग में वो भी पता है. सो एनीवे, वो उसने खुद कर दिया, उसने खुद अपनी क्लास Yeah. दिखाई, विच इज और ये फैंटास्टिक. कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शहनाज सुन रही थी, बिकॉज वो सो नहीं रही थी. हाँ वो सो नहीं रही थी, शी वॉज लिसनिंग. हाँ फिर उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, रावण रावण आता है और उसको जानबूझ के उठाता है, जब देखता है तो कि ये दोनों हाथ पकड़ के सोए हैं, तो कि तू हाँ ऐसे कैसे किसी का हाथ पकड़ के सो गई करके, याद है. हाँ नो कीप या कीप आई मीन या तो या वो कीप आता है, वो देख रहा है कि इनका रिलेशन ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है, तो वो जानबूझ के सोते हुए इंसान को उठा के बोलता है कि मैं तू ऐसे कैसे उसको हाथ पकड़ के सो गई. तो वो अगेन उसकी वो इनसिक्योरिटी वहां पे, और जाके बाहर अबू जी को भी बोलता है कि इसको मेरा और उसके हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो बोलता है हाँ तू उसी की चंपी कर, उसको सब सब चुभ रहा था शहनाज ने जो उसकी चंपी की वगैरह, तो वो बाहर आके बोलता भी तो हाँ तू उसी की चंपी कर करके. एंड आई डोंट नो फीफी कौन से एंगल से क्या देख रहा था, बट ही वॉज अ रियल डम पर्सन एट दैट टाइम. एक और चीज उस वो सीन में मैं बोलूंगी, पारस हम्म. का ये पॉइंट था, अगर आपने शहनाज की बातें सुनी होंगी उसमें, ये तो वो उसका कर रहा था कि तू उसको तेरे हाथ में मेरे हाथ में फर्क नहीं पड़ता है, दैट दैट वाज ऑल स्टूपिड. बट उसने एक और बात बोली, एक ऐसी तरीके से उसने उसको बोला कि शहनाज को लगा यार मैं मेरा मतलब ऐसे नहीं था, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू टेल शहनाज और मे बी ही टोल्ड शहनाज दैट ये सब करना अच्छा नहीं दिखता है, तू बदनाम होगी, तू ऐसे हाँ किसी हाथ पकड़ के नहीं, मतलब ही वॉज यू नो सजेस्टिंग कि शहनाज कुछ इनअप्रोप्रिएट कर रही है. तो शहनाज डर गई थी एकदम कि कहीं ये सच तो नहीं कि लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे. बट उस ये बंदे को जो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है उसको पता नहीं है, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है बट वो शहनाज को मैनिपुलेट कर रहा था वहां पे. खैर ऑडियंस यू नो टेढ़ी थी विच इज गुड, वही मोमेंट को इतना एपिक बना दिया गया है कि एवरी टाइम अभी अभी रावण देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि वो कितना गलत था. बट ठीक है, करेक्ट. तो उसने वो दैट वॉज टू मी अदर देन हिम बींग यू नो जेलस, मेरा वो एक ऑब्जर्वेशन था कि वो शहनाज के दिमाग में डाल रहा है कि तू जो शुक्ला के साथ कर रही है वो ठीक नहीं दिखेगा बाहर हाँ ऐसे ऐसे आई थिंक वो उसको दिमाग में डाल रहा था. सो दैट वॉज द पॉइंट. फिर आई थिंक उसके बाद चालू होता है ना टास्क. फिर उसके बाद अनसीन्स हैं, बहुत से अनसीन्स हैं.
तो हम उसके बारे में बात करेंगे बिफोर मनी टास्क स्टार्ट्स। अगर आप एक बार मनप्रीत जो ऐड हुई है उनसे, ये बहुत अच्छे कमेंट कर रही थी आपका, अभी जो लाइव सुन रही थी, इनसे थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं। मनप्रीत कैसा लग रहा था अभी राधिका जी एंड स्नेहा जी मंडे एपिसोड का रिव्यू कर रही थी तो? बहुत अच्छा लग रहा था। दो में ऑलवेज 3-4 बजे आते हैं तो आई ऑलवेज वेट के है ना, तभी सुनू मैं। बट ये वाला एपिसोड जो था, बिकॉज ये मैं बहुत बार देखा है एंड आई लाइक, मैं भी जैसे ये है ना, तो एग्जैक्टली जैसे स्नेहा जी ने कहा ना, तो आई मुझे वहां पे उनको लगा था कि सना सो रही थी, बट सना सो नहीं रही थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो कैमरा भी वहां पे लेके जाते हैं सना के मुंह पे और सडनली सना उठ के चली जाती है, उसको सुनना ही नहीं था। तो वहां से मुझे पता क्या लगा कि नो डाउट हम सब बोलते हैं सिड वाज सो स्मार्ट, ये वो है ना सब कुछ, बट जो सना ने हमें भी बीच में, मुझे पर्सनली लगने लगा था कि शायद आरती अच्छी है ना, सॉरी अब्दुल्ला अच्छी है, एंड आई स्टार्टेड टू है ना। बट एट द एंड जो भी सना ने स्टार्टिंग में बोला था कौन एंड तक रहेंगे उसके साथ में, और शुरू से जो भी उसने मतलब छोटा छोटा एनालाइज किया था, इवन एक फिर भी है ना कि हो जाता था, इसीलिए आई थिंक सना इसके ग्रुपिज्म से दूर थी पहले, स्टार्टिंग में थी वो है ना इनके साथ में, ये चारों जब बैठते थे साथ में तो बैठती थी उनके साथ। बट मुझे ऐसे लगने लगा उस इस एपिसोड के बाद, और इसीलिए मैं इस एपिसोड को बहुत देखती हूँ कि उसको पता चल गया था, उसको सब पता चल रहा था, बस वो उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करती थी, वो अपने अंदर ही रखती थी, क्योंकि वो गेम किसी की नहीं खोलना चाहती थी जैसी वो थी, जैसे उसने आदन रावण के साथ भी किया था कि हाँ मैं मतलब ठीक है जो भी होगा तू माइंड मत करियो, पापा ने भी जो भी बोल दिया। शी वॉन्टेड टू लाइक हर एक को कि हाँ मैं किसी का बुरा नहीं करूँ, जो जो कर रहा है वो करी जाए, बस मुझे पता है कौन कर लेता कौन सही है, वही जो बोलती है वो डम्बर चॉइस, उसको पता होता है। ओके ये बहुत ही कोइंसिडेंस है, मैंने 2-3 इंटरव्यू किए हैं और उसमें कुछ लोग बोलते थे कि उन्हें आरती पसंद आती थी शुरू में। राधिका जी इस बात को क्लियर करवाइए, ऐसा क्यों हो रहा था उनको? बात एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि पसंद आती थी, मैं ये बोल रही थी कि मे बी वो बुरी, इतनी बुरी नहीं है, पसंद मुझे कोई भी नहीं आया सेठ सना के अलावा कोई भी नहीं, बट मुझे ऐसे लगने लगा था इतनी बुरी नहीं है। बट अभी जब भी मैं देखती हूँ और जब ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनती हूँ ना, देन आई रियलाइज यार वर्स तो वही थे यार। राधिका जी बताइए आपकी फेवरेट। अगर हमारे जो 4 लाइंस किए थे हमने, जो अब्दुल्ला के गेम के बारे में जो हमने बात की है, अगर उसके बाद किसी को लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मनप्रीत, बट वैसे ही बोल रही हूँ कि उसने ऐसे इमेज दिया था बिकॉज वो बहुत अपना होमवर्क करके आई थी, वो उस बहुत लोगों से मिलकर आई थी जो बिग बॉस जीते हैं या बिग बॉस में उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, तो उन्होंने उनसे नोट्स लेके, वो नोट्स कॉपी करके नहीं, जो किड्स जो नोट्स अपने हथेली पे लिख के या अपने आर्म पे लिख के या स्लीव्स के अंदर लिख के या छोटे छोटे चिट्स पे लिख के चोरी किए हुए जो नोट्स होते हैं, उन्होंने खुद भी बनाए हुए नहीं होते हैं, किसी और के नोट्स लिख के अगर हम एग्जाम में लिखने बैठो तो आपको पता नहीं चलता है कि साला ये आंसर किसका था, ये चिट किस सवाल का आंसर था, किधर से आई। तो पूरा जो भेलपुरी बंदा है वो था अब्दुल्ला का सीन, बिकॉज अब्दुल्ला ने बहुत लोगों से नोट्स तो लिए थे लेकिन कहाँ पे अप्लाई करना था वो नहीं यूज किया, और खुद को बहुत उसने एक तरीके से एक नैरेटिव जो बनाया था कि वो बहुत डिग्निफाइड है, बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत अच्छी है दिल की, उसका 2 nice things on your face, 3 bad things on your back was her strategy, और उसने तो चैनल ने भी उसका बहुत साथ दिया। ओके ठीक है, मैं बिकॉज ऑडियंस पे भी थोड़ा बोझ था ये सब समझने के लिए, बिकॉज चैनल ने उसका साथ दिया था, दैट वॉज द इशू, सो उसका गेम समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बिकॉज ऑन द सर्फेस जो उसका दिखाया गया था अच्छा दिखाया गया था बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म मेरे हिसाब से, और वो कॉन्ट्रैक्ट था, बिकॉज
कोई भी किसी भी कंटेस्टेंट का फैमिली मेंबर छोड़ने नहीं आया था स्टेज पे जो परफॉर्म किया है सिवाय इसके. तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उसके भाई का क्या इम्पैक्ट था उसके कॉन्ट्रैक्ट में. ओके सो ये तो उसने वही कैरी किया, वो इंडिपेंडेंट. जब कोई चीख चीख के कोई चीज बोलता है कि लोगों को विश्वास आए, तो उससे भी पता चल जाना चाहिए कि झूठ चीखने से सच नहीं बन जाता. तो ये जो इंडिपेंडेंट हूँ मैं, इंडिपेंडेंट हूँ, वो कहीं से नहीं थी. और वो चार लाइव्स के बाद अगर किसी को डाउट है तो यू गाइज आर ऑन योर ओन, आई एम सॉरी. बट अगर आप बट हाँ yeah. इसकी गेम समझने के लिए एक दो बारी देखना पड़ता है बिकॉज उसको चैनल ने भी बहुत सपोर्ट किया था. किसी ने पूछा है कि अब्दुल्ला का जो चार एपिसोड का हमारे चार लाइव हुए थे वो कौन सी डेट के हैं, तो उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच के लाइव सुन लेना, आप क्लियर कट हो जाओगे अब्दुल्ला के बारे में. थैंक यू सो मच. बढ़े आगे. राधिका जी, स्नेहा जी, मनप्रीत बोलिए. राधिका जी हाँ, तो या तो अब्दुल्ला की गेम आप अनसीन बता रही थी. हाँ अनसीन, अनसीन. हाँ तो अनसीन में क्या होता है, वो मंकीज वाला अनसीन है. मंकीज आ जाते हैं और आई थिंक वो रात को है ना, वो रात को है. हाँ ओह एक्चुअली एक्चुअली सॉरी सॉरी रिवाइंड, वो नया पति नया घर वो नहीं, नहीं, उससे पहले वो अपार्टमेंट्स का होता है. सॉरी कि घर कहाँ पे रहती है शहनाज, तो उसके लिए मैं बोलूंगी. और यहाँ पर भी मैं अब्दुल्ला के 2-3 जो टिप्पणियां की थी उसके बारे में, बिकॉज मुझे बहुत इरिटेट हुआ था उसने जैसे बोला था. सो वो दे टॉक अबाउट हर मोहाली अपार्टमेंट ये 2 बेडरूम का या जो भी है. तो फीफी पूछता है कितने का होगा, तो कहती है 25 लाख. तो अब्दुल्ला मतलब ऐसे कहती है किधर 25 लाख, बॉम्बे में कुछ नहीं मिलता है. तो फिर देन दे टॉक अबाउट कि बॉम्बे में मीरा रोडियन है या ये वो. तो किधर बेटा 25 लाख किधर बेटा, ऐसे बोलती है अब्दुल्ला. तो बोलती है मोहाली ये मोहाली कहाँ है, ये मोहाली कहाँ. आई एम लाइक एक तो तू झूठ बोलती है कि तू क्रिकेट देखती है और तू क्रिकेट खेलती थी, और अगर क्रिकेट खेलती थी तो जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पे मोहाली में मैचेस होती थी. तो मतलब इसका मुझे पता नहीं है इसकी ज्योग्राफी का कितना नॉलेज है पता नहीं, बट वो सडनली शी एक्ट्स लाइक मोहाली तो छोटा टाउन है, मैं तो बॉम्बे से हूँ, मुझे ये सब नहीं पता. हाँ वो पता नहीं कहाँ की है, कभी कभी वो बेस्ड अपॉन कन्वीनियंस वो लखनऊ की है, कभी कभी वो बॉम्बे की है. तो लाइक मोहाली ये मोहाली कहाँ है, मुझे तो नहीं पता मोहाली कहाँ है, मैं तो बॉम्बे की हूँ. ऐसे उसका वो जो स्टूपिड फेक सैसी एटीट्यूड था, आई एम लाइक सेव इट बट व्हाटएवर. तो वो बोल दिया एंड देन फिर अपनी अपनी गोले वाली भी आके ओ जहाँ पे ये खरीदेगी ना वो हमारे जैसे नहीं, वो जैसे सिंगल सिंगल होते हैं ना वो वहां पे खरीदेगी, मतलब शिव मीरा रोड साइड एंड ऑल. सॉरी वो बोल रही है उसमें कि वो मीरा रोड साइड में जहाँ पे सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स होगी ना वो वहां पे ही खरीद सकती है. मतलब क्या तुम लोग क्या हो, तुम लोग खुद क्या हो, कहाँ से आए हो तुम दूसरे को ऐसा कर रहे हो. नहीं तो मैंने मैं बोला था ना मैं भी चंडीगढ़ से हूँ, तो आई लिव्ड इन मोहाली ओनली. तो जब भी उसने ये बोला तो उसने सिद्धार्थ वो इवन क्लैरिफाइंग कि वो 1 BHK की बात कर रही है ना, कि कहीं भी देगी वो. एंड शी वॉज लाइक रश्मि ने 3-4 बार ये बात बोली, अरे नहीं पर वो वहां पे थोड़े ना रहेगी, वो तो ऐसे रहेगी ना जहाँ पे वैसे होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं, वैसे थोड़े ना रहेगी वो जैसे हमारे हैं. वो लिटरली 3-4 बार बोलती है ये बात और उसके बाद सब इग्नोर ही कर देता है उसको. तो बेसिकली ये वही लोग हैं जो अभी आई मीन आई डोंट वांट टू
स्पेंड टाइम ऑन टॉकिंग अबाउट देम, बट जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स कि उन्होंने क्या क्या बोला था. और वहां पे उसने ऐसे बोला था कि शी कैन नॉट अफोर्ड इन द सेम सब एज दे आर लिविंग. सो दैट वॉज द पॉइंट इवन गोलगप्पा वॉज मेकिंग. एंड फिर उसके बाद फिर ऑफकोर्स यू नो सिद्धार्थ वो छोड़ देता है मीरा रोड पे, कहाँ 1 करोड़, वो whatever. So, वो एकदम इग्नोर करता है वो चीज. हाँ, तो हाँ सो उसके बाद फिर अपने शुक्ला जी का एनालिसिस शुरू होता है. अगर बॉयफ्रेंड होगा तो अभी मुझे कोई मिला ही नहीं ऐसे, तो पति पति मिलेगा. अरे 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 पति नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेगा तो क्या करेंगे. तो वो टिप्पणी वाला जो अनसीन, वो आई एम श्योर सब लोगों ने देखा है. और ये आई थिंक मोमेंट नंबर 30 होगा, राइट? सो 30 वाला मोमेंट होगा सिडनास के. देखो गाइस, हम 3rd वीक के मंडे के दिन बात कर रहे हैं और हमारे 30 सिडनास मोमेंट्स हो गए. ओके, जस्ट कीप दैट यू नो डेटा पॉइंट. फिर उसके बाद वो सब होता है, वो हमको शायद हर एक बंदा जो अभी इस लाइव में है उनको रट के लाइनें याद होंगी. हम वो लाइनें नहीं दोहराएंगे. वो एग्जैक्टली कौन क्या बोलता है, फीफी कान में बाली, फाइट वेल, ही इज लाइक फाइट वेल 6 फीट होता है, वो सब सबको रट रट के है लाइंस. तो हम उसके आगे बढ़ते हैं. उसके बाद एक और अनसीन है, या शायद वही अनसीन, आई थिंक एक और अनसीन है जहाँ पे वो सिद्धार्थ के छाती पे सो के वो फीफी के बारे में, वो कि बाथरूम में नहाता नहीं है, नहीं नहाना हाँ. नहीं, बाथरूम ठीक से नहीं करता है, पूरा गंदा छोड़ता है, व्हाटएवर. तो वहां पे मुझे वो सिडनास मोमेंट लगा, बिकॉज वो किसी के साथ इतनी फिजिकली क्लोज नहीं थी, ऑब्वियसली इसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी. तो वो उसके शी जस्ट लाइज डाउन ऑन हिज चेस्ट एंड देन दे आर टॉकिंग. और वो भी उसके कान में कुछ यू नो खुसुर फुसुर करता है. आई विल ऐड वन पॉइंट ओवर हियर. वो ना मैंने सुना था, तो मैंने एक पॉइंट ऐड करूं क्या मंत्री, हां जी हां जी, अदरवाइज भूल जाऊंगी. यहां पे जब वो उसके कान में खुसुर फुसुर करता है, तो इफ यू सी केयरफुली वो दूसरे कान को बंद करता है, जैसे हम बचपन में नहीं किसी के कान में बोलते हैं तो बोलते हैं दूसरे कान बंद करो ताकि कहीं वो बात निकल ना जाए. तो वो दूसरा कान बंद करके एक कान में उसको बोल रहा है कि तू फीफी को ऐसे ऐसे बोल करके. एंड समवेयर मुझे ऐसा लगा वो सीन देख के, ही वॉज ब्लशिंग बिकॉज ऑफ वो जो प्रॉक्सिमिटी थी दोनों के बीच की, जो कंफर्ट लेवल दोनों के बीच का हो रहा था. तो उस वजह से ही वॉज हैप्पी एट दैट पॉइंट कि उसने मुझे चुना लीन करने के लिए, मतलब एक कंफर्ट लेवल के लिए वो खुश था उस चीज पे. हाँ, या ये मेरा है. मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया. हाँ जी, तो वो पता है बात क्या हो रही थी, वो एक्चुअली ना सना ऐसे ही बैठे यही बात हो रही थी, तो सना ने ये बात हटाने के लिए ना कि ऐसे क्यों बोल रहा है मुंबई वगैरह, है ना, तो उसने ना फीफी को ऐसे ही पूछ लिया, कहती तू नहाता क्यों नहीं है, है ना. तो फीफी क्योंकि उसने शायद ना कपड़ी चेंज करके आया था, वो कहता मैं नहाया था सुबह पर मैंने ट्रैक पैंट्स डाले थे तो अभी मैं चेंज करके आया हूँ. तो इसी बात पे ना उसकी चिन पकड़ के, है ना सिड, क्योंकि वो लीन तो हुई पड़ी होती है, चिन पकड़ के ऐसे अपने मुंह के पास करता है. और जैसे स्नेहा जी ने कहा ना, और हमें को भी रियलाइज हुआ कि वो कान पे हाथ क्यों रखता है उसके, ऐसे पकड़ के पूरा उसका मुंह घुमा देता है ना. और फिर उसको बताता, उसको समझ नहीं आता क्योंकि वो मे भी वो खो जाती है कि ऐसे क्या कर रहा है ना, तो उसको समझ नहीं आता. वो 3-4 बार बोलता है, वो 3-4 बार उसको सना को ऐसे बोलता है कि वो जो सीट है वो गंदा करते हैं वो जब जाते हैं वहां पे. तो उसको बोलता है कि तू अभी मत बोलना बेवकूफ, तू बाद में बोलना, है ना, कि अभी उसको पता चल जाएगा कि फीफी की सिड ने बोला सना को. सना से भी पूछ लेती है तो फीफी को पता भी चल जाता है. फिर सिड कहता है इस पागल को मैंने बोला था अभी मत पूछना, बाद में पूछना, इसने अभी पूछ लिया सबके सामने. वो मजाक कर रहे होते हैं, अभी हंस रहे होते हैं. तो हाँ, अभी मैंने स्नेहा जी रियलाइज किया, थैंक यू, क्योंकि वो हाँ वो सच्ची में कान पे ऐसे मुंह पकड़ के उसका अपनी तरफ घुमाता है ना. मुझे लगता है वो तो पहले सोचने ही लग जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, तो उसको 3-4 बार तो समझ ही नहीं आता है.
इसके बाद शायद मनी टास्क स्टार्ट होता है. नहीं, और एक चीज, वो जहां पे क्या कहते हैं इसका जो बॉयफ्रेंड और पति वाला यू नो लिव इन रिलेशनशिप, पहले मैं लिव इन में रहूंगी जब करती है ना, व्हेन शी सेज दैट, तब अब्दुल्ला बोलती है तू ये सब बकवास क्यों कर रही है ऐसे, मतलब हाँ. उसको इतना वहां बैठ के इतनी जलन हो रही है कि ये सिद्धार्थ के साथ वहां पे बैठ के, एंड यू नो सिद्धार्थ इज सो इंटरेस्टेड इन जो भी वो बोल रही है, तो क्यों भाई ये यू नो जानकारी की बातें हो रही हैं, तो वो कहता है उसको कि बी यू नो लाइक स्टे आउट ऑफ इट. अच्छा जानकारी है तो चलो सुनते हैं, जानकारी लेते हैं, ऐसे कुछ बोलती है वो, एंड शी गिव्स अप. फिर उसके बाद वो इनका अलग ही चालू हो जाता है, फिर उनका वो अखाड़ा वाला वो आता है, अखाड़ा करोगे तो वो हंसता है. तो फिर एनीवे सो दैट वाज गुड. तो ये ओके तो कितने सिन्नास मोमेंट्स हो गए हैं, एक तो 30. वो बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाला 30, फिर ये छाती पे लेटना, आई थिंक दैट वाज आल्सो गुड, इवन दो वो कान में खुसुर फुसुर करना, आई थिंक उसको भी हमें ऐड कर देना चाहिए वन मोमेंट. If you guys agree. I think आप जो बंदर वाला बोल रहे हो ना, ये दिन के पहले वाला दिन का था, जहाँ I think संडे शाम के टाइम का बंदर वाला जो आप बोल रहे थे ना, कि इससे पहले ही था. नहीं इसी नहीं, I tell you, इनका एक दिन जो ये जो था ना, ये जो अभी हम अनसीन बात कर रहे थे ना, हाँ. ये उनका ऑफ डे था, बिकॉज नॉमिनेशन टास्क happens on संडे, राइट, और इनका ऑफ डे होता है सैटरडे, इसीलिए शुक्ला जी इतने फ्री हो गए थे, बिकॉज सैटरडे दिखाते नहीं है, वो शुक्ला जी को वो शॉक हो गया होगा आफ्टर द सीजन की पूरा इनका फुटेज कटा है सैटरडे से. ये बराबर ये बराबर है आपका, ये ऑफ डे सैटरडे का ही ऑफ डे था, इसीलिए ये हाथ पकड़ना और ये सब इनकी जो फ्लर्टिंग चल रही थी, ये इसीलिए ऑफ डे था, बिकॉज अगर आप नॉमिनेशन टास्क, अब देखो इतने सारे सिडनास मोमेंट्स, इतने सारे सिडनास अनसीन्स वर ऑल ऑन ऑफ डे, सो ये ऑफ डे था, इसीलिए मुझे वो वाला जो सीन है, वो कान में जो उसको उसका चिन पकड़ के वो दूसरा कान बंद करके एक कान में जो बोलता है, वो दैट शुड बी वन मोर सिडनास मोमेंट, बिकॉज उसने किसी के छाती के ऊपर कभी भी किसी इन द एंटायर सीजन नहीं किया है, तो दैट हैज टू बी कॉल्ड. सो वी आर एट यू नो 31, राइट, करेक्ट, सो वी आर एट 31, ओके. सो फिर किसका तो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप में से कोई टाइप कर रहा है? नहीं मैं बैठी हूँ भाई शांति, मैं कर रही हूँ, मैं रुक जाती हूँ. मुझे लगा मनप्रीत टाइप कर रही है वो लाइव. नहीं 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 मैं रुक जाती हूँ, बोलो. या सो ओके सो 31 हो गए हमारे, और फिर उस दिन रात में जो ऑफ डे है सैटरडे, उसी दिन ये सब होता है इनका. हाँ, हाँ, वो करेक्ट. हाँ वो छाती वाला, सॉरी वो छाते वाला और वहां पे सिद्धार्थ लव यू सना कहता है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही सेज लव यू सना. अगर आपने सुना हो, लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना हो प्लीज वो जाके अनसीन देखें, वो उसको पंप कर रहा है कि वो छाता कैसे खोले, ऑलमोस्ट लाइक अ वेपन. तो वो अम्ब्रेला को दे आर फेकिंग इट लाइक इट इज सम काइंड ऑफ अ वेपनरी, और वो कैसे स्टंट करके सॉर्ड यू नो तलवार जैसे वो कुछ स्टंट करके ये करके, और वो पहले खुलता नहीं है, उसका बटन काम नहीं करता है. इट इज द क्यूटेस्ट अनसीन. और वहां पे देखने के लिए OMG है, फीफी है, ब्रो है, अब्दुल्ला है, सारे बैठे हैं, ये पूरे घर को एंटरटेन करते थे. ये जो छाते वाला है ये अनसीन है,
और बहुत ही फन वाले वो वहां पे जो कार्ट व्हील करती है और फीफी उसको फिर टास्क बोलता है कि ये तो सिद्धार्थ के ऊपर से वो यू नो टंबल करेगी और वो करेगी और सिर्फ सिद्धार्थ उसको पंप कर रहा है और कोई पंप नहीं कर रहा है. ही इज एनकरेजिंग हर लाइक जैसे 5 साल की चाइल्ड हो और वो 7 साल का लड़का हो और ऐसे कितना एनकरेज करता है. इट इज द क्यूटेस्ट थिंग. अगर आपको कभी भी स्ट्रेस हो रहा हो लाइफ में वो अनसीन देख लेना. मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं वो वाले अनसीन जो उस दिन रात में और वो वहाँ पे एक प्लांट होता है एक पॉट होता है वहाँ पे वो उसकी मिट्टी जो होती है वो शहनाज अपने माथे पे रखती है कि धरती का वो लगा टिक्का लगा इतना ये लोग इतना टाइम पास करते थे. माय गॉड लाइक रियली दे मेड देयर जर्नी नाइस एंड दे मेड आवर जर्नी सो ब्यूटीफुल वाचिंग द सीजन. इट वाज वेरी वेरी स्पेशल. और तो वहां पे ये बहुत फ्लर्ट भी कर रहा है और they are just having a good time. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा romantic कुछ नहीं बोलूंगी. They were just having pure fun. जैसे friends में fun होता है वैसे चल रहा था और उसको वो बहुत encourage कर रहा था और सब लोग मतलब अगर आप देखो content के हिसाब से ये दोनों ने कितना content दिया है ना ये season में शायद ही सब लोगों ने मिलके दिया हो. सब लोगों ने मिलके इतना पकाया है बट कंटेंट तो दिया नहीं है. बट एनीवे तो अगर आप लोगों को कभी भी अगेन कभी भी कुछ भी आपको लो फील हो रहा हो तो इनके ये वाले अनसीन्स देखना बहुत फन वाले थे. सो ये हम स्किप कर रहे हैं मतलब वी जस्ट गॉट द यू नो द जिस्ट ऑफ इट. यहाँ पे भी अब्दुल्ला वाज ट्राइंग टू गेट द अटेंशन. यहाँ पे वो अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी. बोलती सिद्धार्थ देख बारिश हो रही है बारिश हो रही है. 10 बार बोल चुकी है उसके अंदर की बारिश हो रही है एंड सिर्फ शहनाज एक बार बोलती सिद्धार्थ वो देख बंदर एंड सिद्धार्थ वाओ बंदर. मतलब ये बंदर ज्यादा इम्पोर्टेंट है. या तो यहाँ पे वो मतलब पूरे सबको समझ में आ रहा था कि क्या करने की कोशिश हो रही है. हाँ Absolutely. So, ये off day, मतलब जो off day के scenes थे ना, unseens और episodes, those were the best. So, अगर आपको कहीं से भी मिल रहा हो तो प्लीज आप देख लें. फिर आता है मॉर्निंग सॉन्ग. तू पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है वो गाने पे शुरू होता है. अगर आप उसमें देखो नहीं वो नेक्स्ट डे होता है नेवर माइंड. राधिका उसके पहले पता है वो लोग रात को डेबोलिना से बातें कर रहे कि मोमो के बारे में. ओके कीप गोइंग. इसको मेरा असली रूप देखना है अब मैं दिखाती हूँ. एंड इवन ये ओएमजी भी कंप्लेन करती है कि वो बहुत इनसिक्योर है. उसको अभी लग रहा होगा कि मैं तुम लोग से बातें करती हूँ तो उसको खराब लग रहा है एंड ऑल. वहां पर तो कहीं ना कहीं इसको भी पता था ओएमजी को कि मोमो क्या करना चाहती है उधर. ओ दैट अच्छा वो वाला ओके. हाँ जहां पे देखो तीनों जन बोलते हाँ. पहले उसको शहनाज से प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो रावण के साथ थी लेकिन जब से शुक्ला के साथ है तब से उसको उससे प्रॉब्लम होने लग गई है. अब मैं तुम लोग से बातें कर रही हूँ तो उसको तुम लोग से भी प्रॉब्लम होने लगेगी. हाँ इन अ वे वो नेगेटिव नहीं बोलना चाहती है रश्मि के बारे में यहाँ पे बट स्टिल वो ऐसे समझा रही है मुझे लगा जहां तक सना को कि रश्मि को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको वो ऐसे स्टेटमेंट देती है पता नहीं क्या है बट उसको कोई प्रॉब्लम है सिद्धार्थ से और उन सब से जो उसके साथ में होते हैं तो ऐसे करके बात कर रही होती है और इनमें उसको बता रही होती है कि लाइक तू क्योंकि उसके साथ में है जिट के साथ है इसलिए वो तेरे साथ ऐसे हो रही है अदरवाइज वो तेरे को लाइक करती है कुछ भी. मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब ऐसे रश्मि के बारे में बोल के भी वो ऐसे बोलना चाह रही है बस सना को कि तू सिट के साथ मत रह अगर तुझे रश्मि के साथ बना के रखनी है तो.
हाँ हो सकता है. That's what I felt. मेको ना ये OMG का अदर देन क्रिएटिंग नॉइज एंड लाइक गंदगी, उसका गेम कुछ था नहीं मेरे हिसाब से. गेम के हिसाब से वो बहुत वीक वीक लगी मेको वो. और मतलब वो इधर से उधर उसका मतलब मुझे वो नहीं लगा. सो OMG का प्रॉब्लम क्या था पता है? उसको पता था कि सिद्धार्थ करेक्ट है, लेकिन उसको ये भी समझ में आ गया था कि वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है. तो उसको ऐसा था कि उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, बिकॉज उसको खुद को पता था कि उसकी कोई गेम नहीं है, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो उसको सपोर्ट सिस्टम से ही आगे बढ़ना था. तो अब सपोर्ट सिस्टम दो ही लोग थे जो मेन फेमस थे वहां पर, एक तो सिद्धार्थ था, एक तो मोमो थी. तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के चक्कर में उसने मोमो को साथ गई, क्योंकि उसका खुद का कोई गेम ही नहीं था ना, उसके पास कुछ exactly. नहीं था कंटेंट exactly. ही नहीं था उसके पास देने के लिए, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी. ये चीज तो रावण ने और बग्गा ने भी डिस्कस की है कि सिर्फ अपना किचन का काम करती और फिर जाके लेट जाती है, तो उसकी एक स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी. एंड शी न्यू दैट, उसको पता था ये चीज कि मैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ शो को. तो अब उसको किसी के साथ तो दिखना है, तो सिद्धार्थ के साथ तो अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसने देख लिया था कि कितना वो शहनाज को जैसे बाहर बैठ के भी पंप अप वगैरह कर रहा था. तो उसका ये था कि मैं मोमो के साथ ही चल पड़ू. तो दैट वाज हर गेम, अदरवाइज उसकी और कोई गेम नहीं थी. या ओके सो अब होता है वो मॉर्निंग सॉन्ग. हाँ या गो अहेड आप बोलो. नहीं एक ये जो मॉर्निंग सॉन्ग है, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, इफ यू सी हर, उसने अपने जो साइड वॉक गाना है उसका, उसके मूव्स उसने उसमें दिखाए हैं. इफ यू सी प्रॉपरली उसको गाने को, तो सेम वैसे नाची है जैसे साइड वॉक में नाची है. उसका जो गाना है साइड वॉक, उसके जैसा ही सेम नाची है ये गाने में. ये आपको याद होगा, ये यहाँ पर भी एक सिद्धार्थ मोमेंट है. देर आर टू सीन्स. शहनाज एक ब्लू लॉन्ग शर्ट पहनती है अंडर ब्लैक टाइट्स. वहां पर पहले सवेरे अभी ये मैडम जी क्वीन बनी है, तो ये घर की ड्यूटियां दे रही है सबको. वो अपना बिकॉज सलमान ने उसकी बजाई थी कि अब साइड से निकल के क्वीन बन गई, अभी ये उसको उसका अथॉरिटी दिखाना है, तो सबको वो बांट रही है. खैर वो उसको हम ज्यादा भाव नहीं देते हैं, मुझे OMG के गेम के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, बट वो ये कर रही है. सो ऑल दैट्स हैपनिंग. और वहां पर आप देखो यू नो गोलगप्पा उसको साथ दे रही है, और अब्दुल्ला इधर उधर जगह जगह पे जाके बैठ के देख रही है कि क्या हो रहा है. कुछ नहीं बोल रही है बिकॉज उसने रात को ही आग लगा दी थी OMG को. ठीक है, तो ये सब चल रहा है. फिर बेसिकली यहाँ पे शुक्ला के अगेंस्ट ये दोनों बात कर रही हैं, अब्दुल्ला एंड OMG. ठीक है, वो होता है. फिर उसके बाद सब नहा के शहनाज वो लॉन्ग ब्लू कोट में आती है. और ओके आपको कुछ कहना? नहीं 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 बोलो. ओके आसिम के बेड पे शुक्ला, आसिम सॉरी ब्रो और शहनाज बैठ के बातें कर रहे हैं. और वहां पे शहनाज बोल रही है कि आज मेरे को गोलगप्पे ने कच्ची रोटी दी है, मैं इसकी वाट मैं लगाऊंगी. और यहाँ पर बेसिकली ये उनके टीम के बारे में बात कर रहे हैं. और ब्रो भी बहुत वो बन रहा है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं. वो हमेशा सिद्धार्थ के साथ चिपका हुआ होता था.
बिकॉज उसने वीकेंड पे देख लिया था कि क्या चल रहा है, कितने लड़कियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, कितने लड़कियां नहीं. बहुत सारी लड़कियों ने उसको सपोर्ट नहीं किया था. तो अभी ब्रो का एक ही ऑप्शन बनता है कि वो सिद्धार्थ के साथ चिपका रहे. सो दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग. फिर चेंज होता है सीन टू द डाइनिंग रूम. और वहां पे इफ यू आर हॉट आई एम सिंगल ऐसे करके अपना रावण का एक शर्ट होता है, तो वो बोल रहा है. तो वहां पे शहनाज बोलती है इफ यू आर सिंगल देन आई एम बुक्ड. तो बोलता है अच्छा बुक्ड की स्पेलिंग क्या है? तो बोलती है BOOKED. तो फिर वहां पे ये इंग्लिश की बातें शुरू होती है कि शहनाज बोलती है यू नो डॉक्टर क्या, सॉरी हेयर हेयर्स. लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम वो वर्ड सुना था, हेयर्स. हाँ हाँ बोलो मनप्रीत, आपको बोलना हो तो. नहीं नहीं मैं बस वैसे बोल, सॉरी आप बोलो मैं वैसे बोल रही थी कि वो हेयर वाला. हाँ नहीं अगर आप फिर मेरा फ्लो कट होता है, दैट्स व्हाई. आपको बोलना हो तो बोलो. नहीं बोलो. नहीं इट्स ऑल गुड. फिर वो वहां पे इंग्लिश की बातें शुरू होती है. और मुझे वहां पे एक बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये अपना डे आ जाता है. वो हेयर फर्नीचर्स और पीपल्स ऐसा कुछ होता है. फिर वहां पे डे बोलता है आई लव यू. आई लव यू को नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोल दिया आई डोंट गिव अ एफ टू यू. और वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू से दैट. और वो जाके हाई फाई सिर्फ शुक्ला को देती है. मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है. एंड ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बहुत बातें कर रही है. कल भी वो रावण के साथ बातें कर रही थी या रावण उसको कोशिश कर रहा था वो करने की, लाइक मैनिपुलेट करने की. वो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार ये कुछ हो रहा है. सो वहां पर जब ये बोलती है आई डोंट गिव अ एफ टी और उसको आंखों में आंखें डाल के बोलती है ना, इतने सास और एटीट्यूड में बोलती है ना शहनाज, मुझे बहुत मतलब वहां पे होती तो मैं उसको सीटी मारती या तालियां मारती, मुझे सीटी मारने नहीं आती. बट और वो मतलब सिद्धार्थ के स्माइल, आप उसकी उसका चेहरा देखना बहुत ही फन वाला होता है. टू मी दैट वॉज अ सिद्धार्थ मोमेंट. अगर आपको नहीं चाहिए तो हम ऐड नहीं करेंगे. बट नहीं नहीं यस इट वॉज अ सिद्धार्थ मोमेंट बिकॉज ये दोनों आंखों में आंखें डाल के ही बात कर रहे थे. जब इवन वेन शी सेज BOOKED वो बोलती है ना, तब भी सिद्धार्थ बहुत मन से हंसता है. सो या तो वो अच्छा, तो दैट इज देन सिद्धार्थ 32. फिर उसके बाद मनी टास्क स्टार्ट होता है. फिर वो फिर अपनी बग्गा मैडम आके शी रीड्स द टास्क कि लड़कियां ये लड़कियों को नॉमिनेट करने वाला टास्क है. तो वो टीम्स बढ़ जाती हैं. एक टीम में बग्गा और अब्दुल्ला और शहनाज और दूसरी टीम में OMG मोमो सॉरी गोलगप्पा और अपनी का नाम क्या है यार, दीवा. हाँ तो एनीवे तो वो वहां पे देखो गाइस, वहां पे अपने ब्रो की गेम पता चलती है. ब्रो को ये होता है कि उसको शहनाज को वोट करना ही नहीं है, उसको शहनाज को पैसे देने ही नहीं है. वो उसको 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 बग्गा को निकालना है. पता नहीं बग्गा को क्यों निकालना है सडनली, बट लाइक बग्गा भी उसकी टीम में है लेकिन वो टीम के प्ले हिसाब से नहीं कर रहा है. ही इज लाइक मुझे बग्गा को निकालना है. तो वहां पे सिद्धार्थ उसको समझाता है, उसको और फीफी को समझाता है कि वैसे भी OMG सेफ है बिकॉज वो क्वीन है. तो अगर वो टीम हारती है तो नॉमिनेशंस में आएंगी दीवा और गोलगप्पा.
तो हमें उनको हराना है और सारे जो नोट के बंडल है वो हमारी टीम की लड़कियों को ही देने हैं. तो वहां पे वो ऐसे बोलता है, वहां पे यू कैन सी द सॉर्ट ऑफ लाइक द डिसएग्रीमेंट, कि वहां पे फिर ब्रो फीफी को मैनिपुलेट करने की यू नो कोशिश करता है. हाँ टीम है लेकिन गेम भी तो खेलनी है यार, यू नो शहनाज ने मेरे को रिंग दे दी. फिर वो वही बोलता है कि शहनाज ने मेरे को रिंग दे दी, मैं नहीं करूंगा उसका. फिर यहाँ पे फिर अब्दुल्ला आके प्लीज यार देख लो ऐसे, मतलब वो इनको, अब्दुल्ला का ऐसा था कि पूरा घर उसके लिए खेले, वो कुछ ना करे सबको आग लगाए बट everyone must play for her, that was her motive. तो वहां पे आके वो फीफी और ब्रो को भी बोलती है मुझे सेव करो और ये करो, और शहनाज भी बोलती है देख लो यार तुमको क्या करना है करो, लेकिन आसिम कर दे ऐसे. तो यहाँ पे टीम के अंदर टीम थी, यू नो बेसिकली सिद्धार्थ की टीम के अंदर ही टीम थी. और उसको लाइक बग्गा को निकालना था. मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि सडनली ये बगा के पीछे क्यों पड़ा है. फिर वो टास्क शुरू होता है इनके, ऑफ कोर्स लाइक बातें शुरू होती है क्या करना है, चोरी करना है, ये करना है, और अपना रावण शुरू हो जाता है चोरी करना, ये वो ऑल दैट. और वहां पर जब ये लोग बातें कर रहे हैं, वहां पे सिद्धार्थ इज अगेन ट्राइंग टू कन्विंस की टीम के हिसाब से खेलो और टीम को सपोर्ट करो. और वहां पे फिर फीफी ही इज ट्राइंग टू बैक पेडल एंड सेइंग कि नहीं हमें सपोर्ट, हमें हमारी गेम खेलनी है या जो भी. एंड ब्रो भी बहुत ट्राई कर रहा है फीफी को कन्विंस करने के लिए. और वहां पे आई फेल्ट लाइक आसिम और सॉरी ब्रो गोज अगेंस्ट यू नो सिद्धार्थ ऑन हिज फेस. तो वहां पे सिद्धार्थ थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड ही स्टेप्स बैक एंड ही इज लाइक चलो क्या करना है करो. बिकॉज उसको जो बोलना है वो बोल देता है, लॉजिकली बोलता है, टीम के हिसाब से बोलता है. फिर इवन ब्रो ऑल्सो चैलेंजेस हिम कि तो फिर वो बोलता है मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, तुम लोग क्या करना है करो. बिकॉज ही उसको दिख रहा है कि क्या हो रहा है. और यहाँ पे अब्दुल्ला के बोलती है पारस ने बोला सॉरी रावण ने बोला है वो हमें एक भी नोट नहीं देगा. मतलब वो यहाँ पे दिखा रही है कि मैं उनके टीम से नहीं हूँ, अभी जो भी करना है तुम लोगों को करना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो. तो बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के नाम लिए थे ना वीकेंड के वार पे ब्रो और अब्दुल्ला ने, तो दे शी इज प्लेइंग ऑन दैट. सो हाँ दैट वॉज अ गुड पॉइंट. या बग्गा वॉज एन एक्सक्यूज, इट वॉज सना, ही वॉज आफ्टर या उसको मतलब ब्रो को सना पे बहुत खुंदक थी, पहले से खुंदक थी. ये जो सिडनाज फैंस मतलब जो लोग बोलते हैं मतलब हाँ आप जो मैं देखती हूँ कि ओ ये देवर है, कोई देवर वेवर नहीं है, बहुत गंदा, उसने बहुत गंदी गेम खेली है. फिर ये डे और बग्गा का जो चल रहा था मुझे उसके बारे में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अगर आपको उसके बारे में बात करनी हो स्नेहा तो कर लो. स्नेहा है? ओ स्नेहा नहीं है, क्या हो गया? ठीक है. ये हो गया तो इसके बीच में आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने किया था तो जब भी वो, आपको याद है जब भी डंबल पकड़ के डे वो आ रही होती है वो तोड़ने के लिए लोकर उनका, वो तो बाद में होता है, वो लाइक बाद में होता है. वे जस्ट होल्ड ऑफ फॉर अ सेकंड इफ यू डोंट माइंड मनप्रीत. नहीं आया वो थोड़े सीन्स के बाद है, वो डंबल का बाद में है. या आ गई स्नेहा? या आ गई. ओके मैं बाय मिस्टेकली ड्रॉप आउट हो गई थी. ओके तो फिर उसके बाद क्या होता है, टास्क शुरू होने से पहले अपनी गोलगप्पे मैडम
फिर से ब्रो को समझाने शुरू हो जाती है कि मेरे को करो, तू बहुत सेंसिबल है, तू किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है. और ये फीफी को भी शुरू कर देती है. तो गोलगप्पा भी 2 weeks in a row is nominated, और उसको कॉलर ऑफ द वीक भी आया कि आप अपनी गेम कब दिखा रहे हो. पहले वाले वीकेंड के बार में उसको पिकनिक बास्केट दिया था, अभी कॉलर आया कि तुम गेम कब दिखाओगी, 2 हफ्ते में फिनाले आ रहा है. तो यहाँ पर वो फीफी, उसको पता है कि शुक्ला तो करने से रहा, तो जो भी मैनिपुलेट हो सकता है वो ब्रो कर सकता है या फीफी कर सकता है. तो अपना शुरू हो जाती है गोलगप्पा की मेको करो और मेको सेव करो, ये वो, फेमस होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे. और फिर उसके बाद फिर शहनाज भी आके बात करती है ब्रो के साथ कि तू उनके लिए कैसे सपोर्ट कर रहा है, उनको उनको कैसे सपोर्ट करेगा, मोमो और डीवा को कैसे सपोर्ट करेगा. तो फिर शुक्ला सीज दैट एंड ही वॉक्स एंड ही इज लाइक ठीक है, अगर तेको करने का है तो कर, बेसिकली यू आर सेइंग दैट यू डोंट ट्रस्ट मी. तो इज लाइक नो, आई एब्सोल्युटली ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू. फिर वो वहां पे छोड़ देता है बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ को समझ आता है कि ये क्या हो रहा है. और वहां पर देखो अब्दुल्ला वहीं पे घूम रही है बिकॉज जब भी नॉमिनेशन आता है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है और बहुत ऑब्वियसली शी वॉन्ट्स टू नो कि क्या चल रहा है. वो एपिसोड देखना, उसे उसे पता चलता है कि नॉमिनेशन डे के दिन उसकी नीयत कैसी चेंज हो जाती है अब्दुल्ला की. बहुत सेल्फ सेंटर्ड है वो बंदी. फिर वहां पे सिद्धार्थ बहुत ट्राई कर रहा है, आधा दिन आई थिंक ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस ब्रो एंड फीफी कि टीम के लिए खेलो. और जितने बार ये आके बोला है टीम के लिए खेलो, उतने बार ब्रो ने फीफी को बोला है कि नहीं करना है, मतलब हमें हमारी गेम खेलनी है यार, हम सब गेम खेलने आए हैं, टीम टीम थोड़ी है ऐसे. उसके बाद तो ऑल दिस हैपेंस बिफोर द गेम स्टार्ट्स एंड देन व्हेन द गेम स्टार्ट्स वो चालू होता है एक के बाद एक. और वहां पे बिकॉज रावण ऑलरेडी स्टार्टेड चोरी करना फ्रॉम द टेबल, ये जब सब लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, सिद्धार्थ या ब्रो या फीफी हो या डे हो, वहां पे अंदर बैठ के ये चोरी कर रहा है, अपने शर्ट में रखता है या कहीं तो रखता है कपड़ों में. और वो बोलता है कि यार मैंने चोरी कर ली. वहां पे वो कहते हैं कि नहीं चोरी नहीं कर सकते है, ये वो पता नहीं क्या क्या. फिर जब गेम चालू होता है तब डीवा भी चोरी करती है और डीवा चोरी करते हुए देख ब्रो को दिख जाता है कि ये डीवा चोरी कर रही है. और जब चोरी करती है तो फिर उसका दिमाग घूमता है, तो बोलता है कि मैं अभी इसको सेव नहीं करूंगा. तो देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग फॉर द टीम. तब तक उसका यही था कि उसको उसकी खुद की टीम को हराना है. बेसिकली वो उनको उनको देने के लिए रेडी हो गया था. सो जब उसने देखा ये तू चोरी नहीं कर सकती है, बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है, वो बहुत रेज में आ जाता है. सो फिर वहां पर तो ये डे और बग्गा का मुझे बहुत ही यूजलेस लगा. 60%, 10% क्या पता नहीं क्या परसेंट कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत इरिटेटिंग था वो. और बट अपनी गोलगप्पे मैडम पूरा कोशिश कर रही थी सबको कन्विंस करने के लिए कि मुझे सेव करो, बस वही चल रहा था. सो आई विल पॉज हियर अगर किसी को कुछ ऐड करना हो या मैंने कुछ मिस कर दिया हो. मेरे को तो नहीं लगता आपने कुछ भी मिस किया because yeah you cleared all the points here. यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं जब आगे के वीक में सिद्धार्थ बोलता था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोटिस करते और इग्नोर कर देते, वैसे ही मैंने भी बहुत सारी चीजें इसकी इग्नोर की और दैट्स वाई ये अब ऐसा हो रहा है करके. पता है जब वो आगे के वीक में हम लोग जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने देख लिया था कि आसिम का कोई स्टैंड नहीं है, ब्रो का कोई स्टैंड नहीं है, वो
उसी उन्हीं लोगों के पीछे रहता है जो उसको हमेशा धुतकारते हैं, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं दीवा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था बीइंग फ्रॉम द सेम स्टेट. तो इसलिए वो चाहता था कि थोड़ा सा प्राइज मनी दीवा को भी दे यहाँ पर. हाँ, मुझे भी लगा कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता था उसको कि क्या पता कि उसकी प्रायोरिटी बने आसिम भी, क्योंकि उसको भी ऑब्वियसली उसको ऐसे था कि हाँ मुझे सपोर्ट मिले, है ना, कि अगर से इनकी तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हर बात पे करता था सना एंड आरती का थोड़ा करता था, तो इसको होता था इनसिक्योर, तो इसको ऐसे था कि एटलीस्ट मेरी तरफ अगर, क्योंकि आरती और सना अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो सीट की साइड लेंगे रिंग्स देने में भी, तो वो इसलिए मायरा के उसके साथ में दीवा के साथ में बना के रखना चाहता था कि हो जाए. और उसने मतलब उसने अबू जी को भी बहुत इन्फ्लुएंस करने का, है ना, ट्राई किया, एक सीट से अलग होके भी बात की उसने डोर के सामने खड़े होके कि हम आधा आधा कर लेंगे, अभी हमें भी तो अपनी गेम खेलनी है, अभी हर चीज हम ऐसे थोड़े ना कर सकते हैं, उनके लिए थोड़े ना कर सकते हैं, हमें भी बना के रखनी है ऐसे करके. तो उसको ये हो गया था कि लाइक अगर मैं उसको हाफ भी दे दूंगा, और उसने दे क्या पता ज्यादा ही दे देता अगर वो चोरी नहीं करती तो. क्या बोलते हो राधिका? जब उसने उसको चोरी करते हुए देखा ना, उसका बहुत दिमाग घूम गया था ब्रो का, बहुत ज्यादा, बहुत ही गंदी तरीके से बहुत उसको गालियां दी उसने. तो फिर उसके बाद पूरे पैसे बट जाते हैं ऐसे वैसे करके. फीफी ओएमजी को नहीं देता है बिकॉज वो बोलता है कि तुमको नहीं चाहिए, तुम सेफ हो. बट ये ब्रो को और फीफी को दोनों को पता था, ये अब्दुल्ला को नहीं सना को सेव करना चाहता है. इवन दो सिद्धार्थ वाज नॉट प्लेइंग फॉर शहनाज, सिद्धार्थ वाज प्लेइंग फॉर द टीम कि पहले तीनों अपनी तीनों लड़कियां सेफ हो जाए, बिकॉज वो टीम के लिए खेलता था. सो बट एनीवे, तो अब्दुल्ला तो खुश थी बिकॉज उसकी टीम तो जीतने वाली थी, बिकॉज यू नो सिद्धार्थ फेयर खेलता है, उसको पता था, तो वो बहुत खुश थी उस दिन. And, यहाँ पे भी मोमो गेम खेल गई, जहाँ पे वो सबको पता था कि सिद्धार्थ सना के लिए खेल रहा है, लेकिन मोमो ने सबके दिमाग में ये डाला कि वो आरती के लिए खेल रहा है. हाँ. उसने जानबूझ के पूरी बैठक बिठा के बोला कि फिफी को कि अरे वो सिद्धार्थ तो अब्दुल्ला के लिए खेल रहा है ना, वो, मेरे लिए वो, कौन है. नहीं नहीं, that is in the end. Wait, hold on, hold on. Yeah, don't go there yet. Okay, sorry. हमें भी flow में जाना होता है. आप episode का last वाला part बीच में लाओ मत, फिर मेरे को confusion हो जाएगी. ठीक है, ठीक. Sorry. फिर उसके बाद जब पूरे टेबल से पैसे निकल के अपने अपने तिजोरियों में आ जाते हैं, तब वो आता है सीन वेयर एवरीवन हैज टू प्रोटेक्ट. तो वहां पे ओएमजी बोलती है मैं अभी डंबल जाके उनका वो फोड़ दूंगी, उनका जो सेफ बॉक्स है वो फोड़ दूंगी. और वहां पे शहनाज उसको प्रोटेक्ट करके खड़ी होती है. और जैसी ब्रो आता है बाहर, ब्रो को वो हग करती है, और आई थिंक सिद्धार्थ आता है वहां पे, तो वो एकदम से हट जाती है. बट शी इज थैंकिंग हिम, आई थिंक शहनाज इज सिंपली थैंकिंग हिम कि उसने सारे पैसे टीम को दिए हैं. वो बहुत खुश थी कि सेइंग टीम स्पिरिट थैंक यू फॉर दिस. नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. तो सिद्धार्थ बारी बारी जाके देख रहा है कि लड़कियां ठीक से प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं. ये अब्दुल्ला पता नहीं, शायद कभी उसने गेम्स नहीं खेली है, वो पीछे से पकड़ रही है. तो ही इज लाइक पागल, तू पीछे से क्या, तू क्या कर रही है आरती? वो ऐसे चिल्ला के बोलता है उसको दो तीन बार कि बेवकूफ है तू, सामने मैं से करूं इसमें या हाँ. तो पता क्या था ना, वो क्योंकि शेफाली तो ऑलरेडी टेबो को पकड़ ही रही होती है ना, ये मुझे इतना फनी लगता है ना सीन इतना ज्यादा. तो क्योंकि सिड वहां पे बैठा होता है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता है इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी सना खड़ी और सिड खड़ी और कोई भी नहीं है वहां पे, तो इसको जाना है वहां पे और जाके पीछे खड़े होना है ताकि वो अगर ये बात करें तो उसमें इन्वॉल्व हो सके, अगर सिड कुछ बोले स्ट्रेटेजी या कुछ भी तो इसको सुने, है ना. एंड शी वॉज लुकिंग एट सिड ओनली, है ना, उस टाइम पे. एंड जब भी वो पकड़ी नहीं जाती है शेफाली से, तब वो बोलता है
ये आरती पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है, ये पीछे से क्या प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसको ऐसे बोलता है वो। तो वहां पे वो इसीलिए खड़ी होती है, जहां तक मुझे लगता है, एक तो है ही डम्बो तो वो पीछे इसलिए खड़ी होती है ताकि लाइक वो उनकी बातों में इन्वॉल्व हो सके अगर वो करें तो। हाँ बस यही बोलना था मैंने। तो फिर उसके बाद फिर अभी तोड़ा ताड़ी शुरू होती है, या स्ट्रेटजीज शुरू होते हैं कि पैसे कैसे लाए, विच इज फाइन गेम के हिसाब से, ठीक है डंबल लाओ कुछ भी लाओ, दोज आर ऑल गेम स्ट्रेटजीज, टोटली कूल। और वहां पे वो वहां पे अगर आप देखो तो गोलगप्पा वहां ठहर के इनको पोक कर रही है, ब्रो को पोक कर रही है और फीफी को, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ये आप लोग नहीं कर, तुमने नहीं दिया मेरे को, फिर से पोक कर रही है, बहुत ज्यादा उनको गिल्ट महसूस करवा रही है। तो सारा दिन वो वही कर रही थी, बिकॉज सवेरे भी खाना पकाने टाइम या नाश्ते के टाइम या जो भी मतलब टास्क शुरू होने से पहले वो कर रही थी, और अभी भी यही कर रही है पैसे देने के बाद, कि ब्रो मेरे को तेरे से एक्सपेक्टेशन थी, तू ऐसे मेरे को लगा तू सेंसिबल है, और फीफी को बोलती है ओ तुमने मुझे तो आपने तो मुझे वो ही नहीं किया और ये वो, आपको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, आप देख लेना बाहर, हम बाहर देख लेंगे, मैं देखूंगी ये वो। मैं ना सा मैं पीछे से वो नहीं करती, मैं सामने से करती हूँ, मैं सामने से लड़ती हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे मतलब वो खुद के बारे में बोल रही है, तो आई जस्ट फाउंड दैट वेरी वियर्ड। और वो सारा सारा दिन ये लोगों ये दोनों के पीछे ही पड़ी थी, फीफी और ब्रो के पीछे पड़ी थी। फिर उसके बाद फिर इनका आगे पीछे बहुत एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं या जो भी वो छोटी छोटी जस्ट जस्ट गॉसिप चीजें व्हाटएवर। और वहां पर भी अपनी डीवा भी ओ बेटा बेटा शुरू करती है, हमें टीम हम ग्रुप में नहीं है बेटा, ये वो फिर से वही बकवास शुरू करती है। फिर उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे ऑफ कोर्स हम सब लोगों ने देखा है, जब बगा बोलती है ओ सिद्धार्थ की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, वो बार बार आके चेक कर रहा है कि सब ठीक है या नहीं, ही इज रियली सो स्वीट, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो अब्दुल्ला बोलती है जिसके साथ वो खड़ा रहता है ना वो हमेशा खड़ा रहता है, ऐसे आके वो बोलती है। फिर वहां पे शहनाज बोलती है कि ये मर्द है, और ये ऐसे नहीं कि वो लड़कों के जैसा नहीं है, ये मर्द है, ये बहुत मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इससे, ऐसे सो शी फील्स मतलब पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि शी फील्स वेरी ग्रेटफुल कि वो कितना अच्छा उसको गाइड कर रहा है या उसकी टीम, मतलब वो बहुत कुछ सीख रही है उससे, तो उसे अच्छा लगता है। आई थिंक दैट केम फ्रॉम अ गुड प्लेस for her, for Shehnaz, and so that was a good, I don't know if I should count this as a Shehnaz moment, मुझे नहीं लगता, वो game में ऐसी सबके साथ थी तो सबके साथ बोल रही थी कि ये मर्द है और ये ऐसे लड़कियों को फुसला के ओ बेबी ओ ये ऐसे नहीं करता है वो, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इससे ऐसे। और वो भी वो अब्दुल्ला, ऑफकोर्स अब्दुल्ला को कुछ और काम धंधा है नहीं, वो सबकी बातें सुनती है इधर की उधर उधर की उधर, चुगली वाली, बट वो होता है। फिर उसके बाद आई थिंक उसके बाद वही है, OMG इज वेरी जेलस, OMG बहुत बहुत ज्यादा जेलस है, और वो रावण के साथ कुछ बना रही है स्ट्रेटेजी कि मैं डम्बल लेकर जाऊंगी या वो। फिर उतने में बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं टास्क खत्म हो गया है, तो अपनी अपनी तिजोरियां एम्प्टी करती हैं वो, एम्प्टी करके फिर वो बोलते हैं बिग बॉस बोलते हैं कि सिद्धार्थ और रावण आप काउंट करना नोट्स, और जो जिसके पास भी ज्यादा है वो टीम सेफ है या जो भी है। तो ये अपना हाँ हमने देख लिया बिग बॉस हमारे यहाँ ज्यादा है ऐसे। तो फिर बिग बॉस बोलते हैं ठीक है मुझे लगा आप लोग सेंसिबली करोगे, तो कहते हैं आप पूरे फिर नोट्स वापस अंदर डाल दो, फिर बिग बॉस आपको वो करेंगे।
अनाउंस कर देंगे बाद में. तो वहां पर बिकॉज वो टीम को पता चल जाता है कि उनके नोट उतने जमा नहीं हुए हैं, तो सबकी जली पड़ी है. अभी बिग बॉस ने खैर वैसे भी फैसला नहीं सुनाया था. तो ये जर्नी वीडियो में था सिद्धार्थ के, ये पर्पल काउच में बैठ के बात कर रहे हैं कि इफ वी आर वन विल बी स्ट्रॉन्गर या हमें एक साथ रहना है. तो वो आसिम को समझा रहा है कि तू टीम के हिसाब से सोच, बिकॉज ये गेम इंडिविजुअल नहीं है. मतलब ही डिडंट से इट लाइक दैट, बट ये गेम इंडिविजुअल नहीं है, हमें टीम के साथ रहना है. और अगर आप नोटिस करोगे वहां पे अब्दुल्ला और गोलगप्पा इन द किचन. ऐसे क्यों होता है, जब भी गोलगप्पा होती है वहां पे अब्दुल्ला होती है, बिकॉज वो सुन रही होती है, वो प्लान कर रहे होते हैं. मुझे मुझे ऐसे लगता था कि शी वुड ऑलवेज लिसन कि क्या चल रहा है. और वहां पे गोलगप्पा बैठ के मुझे लगता है सिद्धार्थ और ब्रो की बातें सुन रही थी कान लगाकर. बिकॉज उसको कान लगा के सुनना बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आता है, तो वो वही कर रही थी. एंड यहाँ पे फिर से वो उंगल करती है कि मुझे अदरक आलू टमाटर सब काट के चाहिए, कांदा भी काट के चाहिए, प्याज भी काट के चाहिए, ऐसे बोलती है. तो मैं नहीं धोंगी बिकॉज मुझे साइनस है, तू ही बोल दे. ऐसे दिस इज ऑल द स्टूपिड यू नो किचन पॉलिटिक्स करती है वो. उसने पता नहीं गेम क्या करी है. तो उसको लगता है वो बहुत एटीट्यूड है, उसको एग्जैक्टली क्या करना है पता है. और ये कुछ तो भी भाजी काटने के लिए कुछ मुद्दा ट्राई करती है क्रिएट करने का. आई डोंट थिंक सिद्धार्थ केयर्ड इनफ. इज लाइक या व्हाटएवर आई विल कट वेजिटेबल्स. फिर उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि शहनाज की टीम जीती, टीम बी जीती, राइट. तो टीम ए टीम बी पता नहीं जो भी, मतलब शहनाज की टीम जीती है, तो ये टीम नॉमिनेटेड है. सो तो अभी ये टीम नॉमिनेटेड है, मतलब ओएमजी इज सेफ बिकॉज शी इज क्वीन. डीवा और गोलगप्पा आर नॉमिनेटेड. तो यहाँ पे शुरू होती है गोलगप्पा की 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग, जो स्नेहा आप बता रही थी फीफी को. सर सर अभी फीफी से सर हो गया वो सडनली इन 8 आवर्स और 4 आवर्स फीफी से सर हो गया. फिर सर ऐसा नहीं है सर, फेमस होने से कुछ नहीं होता है, वो खेल रहा है, वो आरती के लिए खेल रहा है. मैं मेरे लिए कौन है, मेरे लिए हम लाइक अबे तेरे लिए तू है, सब लोग अपना गेम खेलने आए हैं यहाँ पे, मेरे लिए कौन खेल रहा है. हम लाइक तू कौन सी शहर की नेता है कि कहाँ के वोट मांग रही है, तू है क्या. मतलब उसको पता नहीं ये गेम क्या सोच के आई थी कि उसके लिए 8-10 लोग खेलेंगे, उसके साथ उसके लिए खेलेंगे. एनीवे तो आई लव हर कॉन्फिडेंस, शी थिंक्स एवरीवन शुड बी प्लेइंग फॉर हर, बट शी इज जस्ट लाइक यू नो सिटिंग दिस लाइक दिस एंटाइटल्ड क्वीन दैट एवरीवन ऑट टू प्ले फॉर हर. ऐसे थोड़ी होता है. सो हाँ एग्जैक्टली किरणदीप जी उसके लिए रामू काका है, उसको लगा सभी रामू काका है. तो एनीवे स्नेहा अगर आपको ये सीन के बारे में बोलना हो तो बताओ, बिकॉज ये सब था बीच में, दैट्स व्हाई आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट लाइक आई वाज इंटरप्टिंग यू. नहीं राधिका यही था, यहाँ पे उसकी एक्टिंग की ही बात करनी थी कि वो कैसे फिफ को इन्फ्लुएंस कर रही थी एट द सेम टाइम रो धो के, मतलब ये उसका पैटर्न बन गया था कि रो सिर्फ बैठ के रो. मीना कुमारी बराबर बोला था अनिल कपूर ने उसको कि बस बैठ के रोया करो एंड हाँ तो सबको आटे में लो अपने. हाँ और तीन बार मैं नॉमिनेट हुई हूँ, 3 बार सर सर अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो क्या करूंगी. फिर इमीडिएटली यू नो कट टू फीफी कम्स आउट और ये दोनों वर्कआउट कर रहे हैं. सिद्धार्थ को तभी पता चल गया था कि क्या हुआ अंदर. तो he's like, ये हमेशा ऐसी करती है. नो बट ये शी इज बीन नॉमिनेटेड 3 times. तो निकली क्या, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ. गई क्या? निकली क्या, नहीं नहीं.
तो नो व्हाई डोंट वी ब्रिंग हर ऑन आवर साइड. तो ही इज लाइक अगर आएगी तो सब तोड़ के जाएगी, मुझे पता है वो. मतलब सिद्धार्थ नहीं, वो एग्जैक्टली वो क्या कर रही थी बहुत अच्छे से उसको पता चल रहा था कि क्या चल रहा है. एंड और वहां पे वो एक क्लियर बात बोलता है, मैंने अब्दुल्ला के लिए नहीं खेला, मैंने अब्दुल्ला को पिछले टाइम सेव किया बिकॉज मैं उसको बाहर से जानता था. वो उसने हार्ट टास्क के लिए बोला था, जो फर्स्ट हार्ट का टास्क था फर्स्ट वीक, उसके लिए बोला था कि ये. और मैं उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि मेरी कोई इतनी अच्छी दोस्त नहीं है. हाँ ठीक है, मैं उसको बाहर से जानता हूँ, यहाँ आके मेरी सना एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई. उसने वहां पे वो क्लियरली फुल स्टॉप डाला सबके दिमाग में, बिकॉज उसने वो सुन लिया था जहाँ पे मोमो बोल रही है उसको कि सिद्धार्थ आरती के लिए खेल, अब्दुल्ला के लिए खेल रहा है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे ये बोलता है मैंने उसको सेव की, बिकॉज आई थिंक फीफी आके बोलता है कि शी सेइंग यू आर प्लेइंग फॉर अब्दुल्ला. और वहां पे वो इसीलिए क्लियर करता है कि मैं उसका उसको सेव किया था बिकॉज वो मेरी बाहर से, मैं उसे जानता था. अभी सना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो मैं उसको सेव करूंगा. ही सेड दैट दिस इज वीक थ्री, बिगिनिंग ऑफ वीक थ्री ही सेड सना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. मतलब मैं उसमें कोई रोमांटिक एंगल वेंगल नहीं डाल रही हूँ गाइज, मैं बस गेम के हिसाब से बोल रही हूँ कि ही मेड वेरी क्लियर टू पॉइंट्स कि वो अब्दुल्ला, मतलब ये पूरी टीम के हिसाब से वो बोल रहा था. जब फीफी ये बात कर रहा था उसके पर्सनल कनेक्शंस के बारे में नहीं बोल रहा था, वो टीम के हिसाब से बोल रहा था. सो एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि उसकी लॉयल्टीज कहाँ है इवन एज अ टीम मेंबर. सो बट ये क्या है, क्या होता है ना, बिकॉज हम एक इमोशनल माइंडसेट से देखते हैं और चैनल भी बहुत झोल कर देता है, तो इसीलिए थोड़ी यू नो कंफ्यूजन हुई. तो आई गेट कि सिडनाज का गेम समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ता है बिकॉज ये बहुत सारी डिटेल्स मिस हो जाती हैं बिकॉज हम एक सर्टेन एंगल से देखते हैं उनको. और वहां पर भी सिद्धार्थ चिढ़ जाता है लाइक फीफी पे, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ऐसे फीफी जैसे आके शुरू करता है ना, because he is basically playing exactly what Momo told him. और you know Siddharth बोलता है कि मैं किसी को influence नहीं कर रहा हूँ, because Fifi बोलता है कि Momo thinks that यहाँ पे Shukla is influencing everybody and Shukla is running the team. तो वहाँ पे he gets upset. He says कि मैं किसी को influence नहीं कर रहा हूँ, what you do is up to you. आपको जो करना है आप करो. और ब्रो भी बोलता है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और आप उसमें आ रहे हो. तो ये सिद्धार्थ बहुत अपसेट होता है कि फीफी इज बाइंग हर इमोशनल ब्लैकमेल. सो वो बहुत क्लियरली बोलता है कि मोमो की स्ट्रेटजी क्या है, मोमो कैसी रहती है, मोमो का टीम के हिसाब से खेलती है, ये वो. तो बहुत लॉजिकली उसको समझाता है, फिर भी फीफी ऐसे बौखला जाता है बिकॉज आई डोंट नो इफ फीफी इज कैचिंग ऑन. मुझे नहीं लगता फीफी बहुत गेम के तरीके से बहुत स्मार्ट था. वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा था डेफिनेटली, बट ही डिडंट नो विच वे टू गो और विच टीम टू स्टे. सो तो यू नो सिद्धार्थ वाज लाइक तुमको क्या करना है करो, यू आर ऑन योर ओन. एंड ही इज लाइक नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है. एंड ही इज लाइक चलो छोड़ो फिर, जानते हो तो ठीक है, सो यू डू व्हाट यू वांट टू डू. ऐसे करके सिद्धार्थ छोड़ देता है उसको. सो यू नो डोंट ट्राई टू बी यू नो महान. सो फिर यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है टूवर्ड द एंड. वो शहनाज को और अब्दुल्ला को बोलता है कि ओएमजी के सामने ध्यान से बोला करो कुछ भी, बिकॉज अभी तक उसको नहीं पता कि अब्दुल्ला भी आग लगा रही है. उसको टीम चाहिए, तो वो बेसिकली बोलता है अब्दुल्ला को और शहनाज को, वी आर 4 पीपल स्ट्रांग,
फीफी वी कैन नॉट काउंट फीफी एनी मोर बिकॉज वो फीफी के कॉन्वर्जेशन के बाद उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है फीफी के ऊपर कि वो कभी भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उसको मोमो के इन्फ्लुएंस की स्किल के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो ही इज नॉट काउंटिंग. सो ही टेल्स डैम कि अभी हम चारों की टीम है. वो टीम के हिसाब से बोलता है और बोलता है कि देवो अभी ओएमजी के सामने कुछ मत बोलना. सो दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स बेसिकली. वाओ, क्या जबरदस्त डिकोडिंग की है राधिका जी यार. नॉनस्टॉप, ये नॉनस्टॉप अब मैं आपको बताऊंगा ये कितने मिनट का लाइव हुआ है. ये लाइव हुआ है 1 hour 40 minutes का नॉनस्टॉप लाइव. ओह माय गॉड गाइस, कमेंट्स में सभी की सभी हर्ट्स भेजें. राधिका जी, स्नेहा जी तो आती हैं, आज मनप्रीत भी जुड़ी है. प्लीज सभी लोग हर्ट्स भेजें इनके लिए नॉन स्टॉप डिकोडिंग. नहीं आप, पहले तो हमने उनके बारे में भी बोला था ना, अपने टॉप की स्टार के बारे में, तो उसमें आधा घंटा निकल गया. बट अगर कुछ छूट गया तो बताना गाइस. यस गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड सुनने के बाद थर्ड वीक का मंडे एपिसोड कुछ भी मिस हुआ है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में. राधिका जी, स्नेहा जी, मनप्रीत आपको जवाब देंगे. बिकॉज़ अभी गुड जॉब लेडीज, वेरी गुड लाइव. अभी इसके बाद शुरू होता है अपना टॉय टास्क. ओके, तो यहाँ पे समरी ये है कि मोमो की स्ट्रेटजी थी इमोशनल ब्लैकमेल, 2 rupees ऑस्कर एक्टिंग, एंड एवरीवन शुड प्ले फॉर हर. दैट वाज हर गेम स्ट्रेटजी. वो खुद कुछ नहीं करती है, वो खुद सिर्फ रोती है और उसको लगता है जो उसने शो पे किया है वो यहीं पे करेगी तो चलेगा. वो अपने बहू के कैरेक्टर से ऊपर ही नहीं आ पा रही थी. हाँ, हालांकि वो फीफी को बोलती है सर मेरे फैंस तो मेरे कैरेक्टर को जानते हैं ना, वो यहाँ पे वो नहीं चलता है सर. मैंने कहा वो नहीं चलता है तो फिर वही एक्टिंग क्यों कर रही है, क्यों कर रही है. उसको लेकिन लपेटे में लेना आता था. हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से. और आई थिंक शुक्ला जी को पता था. लाइव देखा है ना 11 महीने की, कैसे लोगों को लपेटे में ले रही है. तो हाँ एग्जैक्टली. और एक चीज, हमें ये वाले मंडे के एपिसोड से पता चलती है कि जितने आज के अनसीन्स थे वो ऑफ डे के ही थे. तो क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है, सैटरडे का कटता नहीं है. वो कहता है अरे सैटरडे ऑफ होता है, इसका कुछ नहीं आता है टीवी पे. कुछ नहीं आता. तो हमारे जो सारे सिडनास मोमेंट्स हैं, सब कुछ मोस्ट ऑफ द नाइस वंस वर केम फ्रॉम ऑफ डे. या वाओ, आज जल्दी लाइव आए. आज हमारा लाइव 2 बजे ही कंप्लीट हो गया. लगता है ऐसी फीलिंग आ रही है अपन, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी होने वाली है लाइव से. नहीं हम अच्छा, आई नो यू हैव टू गो राइट स्नेहा. या मुझे जाना था इसके okay. लिए मैंने बोला था कि आई एम देयर टिल 4:30. ओके चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना तो करो, कोई बात नहीं. पर एपिसोड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फाइन. मुझे एक सीन इसमें अनसीन है, सैटरडे संडे ये 2 दिन का ही बोल रही हूँ. पता है मजाक में वो मोमो की ले लेती है लगेज एरिया में, उसको चुड़ैल बुलाती है, कभी नहीं बुलाती है. तुझे मेरा असली रूप देखना है ना, अब मैं तुझे बताऊंगी. याद है? अच्छा ओके. हाँ एक अनसीन है जहाँ पे ये मजाक में उसको गालियां दे रही है. वही तो बोलती है ओएमजी बाहर बेड पे कि आज तो इसने मजाक में उसको एक थप्पड़ भी मार दिया लगेज एरिया में. ओके ओके ओके, मुझे वो याद नहीं है, आई हैव टू फाइंड इट देन. ओके एक सीन मैंने देखा था यहीं पे
पता नहीं मुझे, मैं बाद में आपको पहले पर्सनली डिस्कस करूंगी और फिर बाद में बोलूंगी कि ठीक है क्या ये. ठीक है, यहाँ पे ये वीक का है क्या, मुझे मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे वो अनसीन अब कहीं भी नहीं मिल रहा है. कौन सा बोलो? नहीं मैं आपको पर्सनली बताऊंगी. ठीक है जी, डन डन डन. वाओ, आपको सारे अनसीन याद हैं, इसने आज ये क्या बात है. देखती रहती हूँ ना. That's amazing. Guys, आज आप लोगों को लाइव कैसा लगा, प्लीज अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट सेक्शन में. मुझे एक पूछना है सबसे जो सुन रहे हैं, if you all don't mind, कि आपको ये दो हफ्तों का सुनने के बाद, जिन्होंने ये दो हफ्ते का सुना है हमारा एनालिसिस या जो भी, उसमें से ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो आपको एक चीज लगती थी पहले और अभी इसके बाद कुछ और लग रहा है, मतलब इज दिस हेल्पिंग, आई डोंट नो, मतलब अगर अगर हम गलत हैं तो ठीक है, अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट कोई ऐसी चीज है जो पहले कुछ और सोचते थे और अभी आपका ओपिनियन चेंज हो गया हो ये सुनने के बाद, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो. बिल्कुल, सभी लोग इस जो राधिका जी ने क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में. जो भी ये लाइव यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इंस्टा वाले तो अभी हैं ही साथ, जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना अपने थॉट्स, जो भी राधिका जी ने क्वेश्चन पूछा. हाँ, कि कोई ऐसा ऐसा कंटेस्टेंट है आपको लगा कि वो सही है या एक एक एंगल में जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हो तो बताना, बिकॉज हम यहाँ पे सबके गेम के बारे में तो बात कर रहे ही कर रहे हैं, बट ये हमारा पॉइंट ये है, द होल पॉइंट इज सिद्धार्थ और शहनाज का एक तो बॉन्ड डे वन से था, कुछ तो कनेक्शन था, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जो 4 months के बाद था बॉन्ड वैसी फर्स्ट डे था, बट उनका कनेक्शन फर्स्ट डे से था और उनका कैसे उनका जो बीच का उनके दोनों के बीच का बॉन्ड कैसे हुआ वो हम सेलिब्रेट करेंगे डेफिनेटली, बट गेम कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई और ये लोगों ने कैसे मास्टरमाइंड, मतलब कैसे गेम को खेला, सो हमारा वो पॉइंट था, राइट, टू कीप टू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस. तो यस, गाइस अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आ रहे हैं तो अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट सेक्शन में सभी, ठीक है. होप आप सभी को आज का लाइव पसंद आया होगा और नेक्स्ट लाइव में रिकॉर्डिंग होगी उसका भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग सुन लिया करें और ये फिनाले तक चलेगा हमारा जर्नी. होप आप सभी इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होंगे. अगर आप इस जर्नी में शामिल हैं तो प्लीज लाइक करके जरूर बताएं कि आप इस जर्नी में हमारे साथ शामिल रहेंगे. हम लोग चाहते हैं कि सब लोग रहे जर्नी में शामिल. आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है. तो जब तक चलेगा चलता रहेगा. ऑफ कोर्स, थैंक यू एवरीवन. एक्चुअली अमन ने सारे अपलोड कर दिए हैं गाइस, किसी ने बोला है कि आप फर्स्ट एपिसोड कब अपलोड करोगे. अमन क्या बात, आई थिंक वो न्यू लग रही हैं. अमन को पर्सनली कांटेक्ट करो. मैंने तो प्लेलिस्ट बनाई है, बिग बॉस 13 2021 रिव्यू. अच्छा. और उसमें का एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऐसे पूरा लिखा है मैंने, पता नहीं लिखा है YouTube पे प्लेलिस्ट. हां प्लेलिस्ट बनाई है मैंने तो. अच्छा, YouTube पड़ेगा मैंने. हां तरक्की पे हो यार, प्लेलिस्ट बनाई है उसमें एपिसोड 1 एपिसोड 2 पूरी सीरीज, मैंने कही नहीं पूरी, बिल्कुल अच्छे से करेंगे पूरा फिनाले तक. हाई फाई हो गया अमन, ऑसम, अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वेरी नाइस. हां यार गाइस, आप बीइंग अमन के यूट्यूब चैनल पे जाना और वहां पे उसने प्लेलिस्ट बनाई है एपिसोड 1, मतलब एपिसोड 1 नहीं, उसने हमने जो
एपिसोड, या मैं बता देता हूँ ऐसा है, एपिसोड वन जो है वो है आपका ग्रैंड प्रीमियर, और बाकी के जो 14 बचे उसको मिला के एपिसोड 15 कंप्लीट, और जो अब ये लाइव पोस्ट करूंगा ये होने वाला है एपिसोड 16, क्लियर एंड कट। हाँ जी ठीक है ठीक है।